हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हो बच्चों? पटना आते ही फायर शुरू। और बाकी सब सेंटर कहाँ हैं? जल्दी से बेटे अपनी प्रेजेंस जाहिर करो। हेलो पटना, आज लक्ष्मी नगर का सेस बंद है। कोई बात नहीं, लक्ष्मी नगर वाले बच्चे मिला था मेरे को, वो कह रहा था कि डाउट आता ही नहीं, आप लोग आप स्लो करा रहे हो। हेलो धनबाद। हाँ जी वाराणसी यही है। ओके चलिए, पटना भी रेडी है, वाराणसी भी रेडी है, धनबाद भी रेडी है, लक्ष्मीनगर भी रेडी है। चलिए फिर, हम क्यों रुके हैं, आइए जी शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये ना लेक्चर नंबर लास्ट क्लास में गलत डल गया था मुझसे, तो अब मैं लेक्चर नंबर नहीं डाला करूंगा, ठीक है? तो वो आपके सामने स्लाइड पे आ ही जाया करेगा। तो हम करते हैं अब आगे काम की बात। पटना ने आते फायर किया कि क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ। हाँ जी बेटे, सारे बच्चे एक बार मुझे सेस पे लिख के बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत आई अगर नहीं हुआ है तो? पटना बेटे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है? फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे की कहानी अपनी। बोलो जी। आगे बढ़ने से पहले, अच्छा लक्ष्मी नगर भी कह रहे हैं नहीं हुआ सर, पहले 3 बता दीजिए। हाँ वाराणसी मुझे याद है बेटे आपका मैसेज, मैं पहले थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, और फिर मैं आता हूँ आपकी बात पर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्लास में करते हैं, और बताइए, ठीक है? बी रिलैक्स। चलिए जी, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे बच्चे क्या करेंगे अब, सारे बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। हो सकता है काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया हो, लेकिन बेटे क्योंकि डाउट में आया इसलिए मैं कराऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 1, 1990 को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खरीद रही है, किसको खरीद रही है भाई? एक मशीनरी को खरीद रही है। और कितने रुपए के लिए? 60,000 रुपये पेमेंट तय हुआ जी। अच्छा ठीक है, और जो 60,000 रुपये पेमेंट तय हुआ वो कैसे कैसे देना है भाई? कह रहे 20-20 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे हम लोग तुम्हें, और इन इंस्टॉलमेंट के अंदर समझ लो 20-20 हज़ार के अंदर दोनों चीज शामिल है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। ये देखो कमाल की बात, यानी क्वेश्चन ने हमें क्या डाटा दे रखा है भाई, क्वेश्चन ने जो हमें डाटा दे रखा है बेटे वो क्या डाटा है? इस टेबल का कौन सा पार्ट है जो हमें क्वेश्चन ने दे रखा है? आपको पता है ये वाला पहले वाला कॉलम कौन सा है? प्रिंसिपल पार्ट, दूसरा कॉलम इंटरेस्ट पार्ट, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में बनता है इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब। क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई देखो कैश प्राइस तो हम आपको नहीं बता रहे, हाँ 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। और कैश प्राइस, डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, तो सीधी बात है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट की। और कह रहे हैं प्रिंसिपल पार्ट कितना हमें नहीं पता, हम तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्या भाई, ये है 20,000, और जी ये है 20,000, और भाई ये है 20,000। क्या बेटे? 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है? अब दो चीजें हैं यहां पर, क्या जब ऐसे केस में यहां पर आप कैसे कैसे कर सकते हो जी? देखो जरा इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो बेटे, फटाफट से निकालना शुरू करो अपना 100 सॉरी रेट अपॉन 100+ रेट, बाद में बताऊंगा इसको कैसे करना है, आप वैसे करके देखो जैसे आपको आता है। ये 100+ रेट वाला सिस्टम है, करो जी। सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट का निकाल लेते हैं, 20,000 × क्या 5/105, क्योंकि 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 इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अच्छा 20,000 × 100/105, और पता है ना ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हाँ एनुअल है, यानी
20,000 इंटू 5/105, बेटे सेस पे लिख के बताओ ना साथ साथ में, सारी कैलकुलेशन मुझे कराते रहते हो। 952, इस वाले इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट आ गया बेटे 952। अगर 952 इंटरेस्ट है तो भाई प्रिंसिपल कितना, हालांकि मुझे पता है कि एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करना जैसे मैं अभी करा रहा हूं, ये मैं पहले आपकी संतुष्टि के लिए ऐसे करके दिखा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में इसको करना कैसे है। हाँ जी, तो 1904 और 8। फिर सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा जी, आप सबको पता है ना। हाँ, 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस आगे वाले का प्रिंसिपल पार्ट इंटू 5/105। हाँ जी, 20,000 प्लस 1904 8 इंटू 5/105, 1859 माइनस 20,000 18141। फिर बेटे फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का 20,000 प्लस आगे के दोनों प्रिंसिपल 18141 प्लस 19048 इंटू 5/105। तो 20,000 प्लस 18141 प्लस 19048, सर रिमोट लिया ना, वो बार बार है ना गला खराब होने से कम करना पड़ता है, इंटू 5/105 2723। तो भाई 2723 इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट पार्ट माइनस 20,000 17277। जरा चेक करो बेटे 17277 प्लस 18141 प्लस 19048 तो भाई ये कितना आया, 54466 और ये कितना है 60,000। इसका टोटल करोगे तो बेटे 5534 आएगा। पहले ये बताओ इतनी बात ओके है, ये तो एक अल्टरनेटिव तरीका हुआ आपके संतुष्टि के लिए, लेकिन एग्जाम में हमें ये करना है बेटे एन्यूटी मेथड से। एन्यूटी मेथड कब सर, मतलब वाराणसी कह रहे हैं ये बात ओके है, डाउट किसका था, वाराणसी का था, ओके ठीक है, फिर भी बाकी बच्चे भी डाउट में इन्वॉल्व रहो। अब इसी का बेटे दूसरा तरीका, आंसर विल बी सेम। ये जो कहना क्या चाहते हैं, ये ऐसा कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो इसमें जो सिस्टम लगा रखा है इसमें हम कर क्या रहे हैं बेटे। सीबीटी में आपने एक पॉइंट पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, एन्यूटी फैक्टर, जब आपने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आप फिर से पढ़ने वाले हो सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट में, वहां चैप्टर आ चुका है, वहां पर ये सब बातें होती हैं। तो वहां पर आपने एक एन्यूटी मेथड लगाया था, फर्स्ट ईयर का एंड 20,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे, सेकेंड ईयर का एंड फिर से आपको 20,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे, थर्ड ईयर का एंड फिर से आपको 20,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पर ये जो फंडा लगा रहे हैं ना रेट अपॉन 100+ रेट का, सबको हम प्रेजेंट की डेट पर, आज की डेट पे हर उस 20,000 रुपए की क्या कीमत है, हम सबको आज की कीमत क्या है उसकी। ये जो 60,000 टुकड़ों टुकड़ों में जा रहे हैं ना, 20,000 जो एक साल के बाद जाएगा वो आज कितने का है, आज कितने के बराबर है, हम ये निकाल रहे होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं उसको प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू उसको नाम बोलते हैं, आप लोग एफएम में पढ़ोगे इस बात को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। 100 रुपए की चीज यहां पर 105 की हो जाती है, 100 रुपए की चीज जो यहां पर 100 रुपए वो 105 वगैरह वगैरह वगैरह। हमने निकाला ये जो 60,000 रुपए है ये आज के 54 क्या था, ये 54466 रुपए के बराबर है। आज हमें किसी ने 54,666 रुपए की कोई चीज दी है
जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में वापस कर रहे हैं। यहाँ पे बेटे 100 रुपए की चीज 105 की हो जाती है, यहाँ पर फिर जो 100 रुपए यहाँ से चले वो कुछ और होंगे। यहाँ के 100 रुपए पता है यहाँ पे किसके बराबर होंगे, जल्दी से देखो। यहाँ के 100 रुपए देखो, एक तो ये वाला 20,000 है जो यहां से चला 105 के बराबर, एक ये वाला 20,000 है जो यहां से चला फिर यहां पर 105, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे ये वाला 20,000 है जो 100, 105, 105 ऐसे करके वहां पहुंचा। आपने एक वर्ड पढ़ा था एन्यूटी फैक्टर, और वो तभी काम आएगा जब हर अमाउंट जो पे की जा रही है अगर वो इक्वल है, अगर 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 वो इक्वल है तो आप बेटे यहां पर लगा सकते हो एन्यूटी फैक्टर। वो कैसे आएगा, आपने सीपीटी में सीए फाउंडेशन में ट्राई किया था, क्या ट्राई किया था, 1/100+rate^n। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा किससे, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इसको नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअली पेमेंट किए जाने वाले का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये कैसे आएगा, 1/100+rate^n। अगर मैं बात करूं यहां पर 1/100+5%, 5% मतलब 0.05, 100 का 5%, और ये कितने टाइम्स, जितने ईयर की इंस्टॉलमेंट है, 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आ जाएगा जी। आइए मैं इसको करके दिखाता हूं। सर कैलकुलेटर जूम करना पड़ेगा आपको स्क्रीन, बेटे मैं इसी को करके दिखा रहा हूं, यहां पे सारे बच्चे ध्यान लगाएंगे, मैं यहां पे रख देता हूं, सब बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। जो आपने सीए फाउंडेशन में ढंग से नहीं किया वो यहां पे करने की कोशिश है। वन कोई पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ पहले स्क्रीन को देखेंगे और जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप लोग फिर खुद करके देखेंगे। 1/100+ आ रहा है ना, एक मिनट, 1/1.05, ठीक है बेटे, 1/1.05। जितनी बार क्वेश्चन बोले, 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार, is equal to memory plus। हमने 3 बार ये किया क्योंकि 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स थी, तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर निकालना था और हमने दबा दिया, तीनों का मेमोरी प्लस में जो डाला ना उसका इज इक्वल टू MRC, तो हमारे सामने निकल के आ गया एन्यूटी फैक्टर 2.7232। हाँ जी, 2.7232480। सर इतना लंबा लिखेंगे एग्जाम में, नहीं बेटे मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो सर थोड़ा सा जूम आउट, कैसे मैं इसी चीज को यहां पे लिख रहा हूं, 2.7232। एग्जाम में आपको सिर्फ 4 अंकों तक लिखना है लेकिन कैलकुलेटर पे पूरी फिगर लेनी है। अब मैं इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं दोबारा करके दिखाता हूं, डोंट वरी, ठीक है, वाराणसी मैं दोबारा करके दिखाता हूं। 1/100+rate, 100 का 5% कितना होता है, 5, तो अगर मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर लूं, अगर मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर लूं यहां पर, तो 1/1.05 बैठेगा दोस्त, है ना, 1/1.1+rate कर लो आप तो और जल्दी समझ में आएगा, 1/1.1+rate ऐसे करो, 1/1.1+rate यानी 1.05 क्योंकि 5% है ना। हाँ जी बिल्कुल सही वाराणसी, आपकी बात, बेटे मैथ की क्लास नहीं है ना तो देखो मैथ से पंगा हो सकता है, सब्जेक्ट टू मैथ वाले सर, सब्जेक्ट टू मैथ वाली मैडम जिन्होंने आपको अच्छे से बताया होगा, क्योंकि मैथ की क्लास तो है नहीं, अकाउंट्स की क्लास है, तो आप समझ गए ना। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स से जैसे आपने पीछे छुड़ाया ऐसे ही मैंने भी छुड़ाया है, सारे बच्चे रेस लगाते हैं कॉमर्स वाले मैथमेटिक्स से, तो खैर इतने भी ये डरपोक नहीं है। हाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, 1/1.05 है ना, 1/1.05 क्योंकि 1 का 5% आप करोगे तो कितना होगा 0.05, और इसी को कैलकुलेटर पर हमने चलाया है,
एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको जूम करा के। जी सर, है जी कुछ कहने सर? हाँ जी, 1/1.05 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, क्योंकि 3 साल की बात है इसलिए बेटे तीनों साल का इकट्ठा करके फिर एमआरसी दबा दिया। 4 साल की होती इंस्टॉलमेंट तो मैं 4 साल में ऐसा करता 2.72। अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 20,000 से इंटू 20,000। देखो बेटे, अरे ये तो सेम आ गया, यही तो पर्पज है, लेकिन ये फंडे वहीं चलेंगे जहां पर एनुअल अमाउंट इक्वल हो। जी सर, जूम आउट थोड़ा। जहां पर अमाउंट इक्वल हो 5,4,4,6,5, एक आध रुपए का तो देखो इधर उधर राउंडिंग ऑफ का रहेगा, मतलब इसको 6 कर सकते हैं। ठीक है सर, एमआरसी क्या होता है? एमआरसी होता है ये इज इक्वल टू का साइन, एमआरसी। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म मत पूछने लगना, बात फुल फॉर्म की नहीं है, बात है इस, ये बटन किस पर्पज के लिए बनाए, मेमोरी प्लस वाली सारी चीजें जिन जिन को जोड़ना है उनको मेमोरी प्लस में डालते गए। मेमोरी प्लस करने से क्या होता है, आप मुझसे कैलकुलेटर की नॉलेज पूछ रहे हैं दोस्त, पर कोई बात नहीं भाई, मान लिया मेरे को 4 लोगों को 4 फिगर जोड़नी है, 100, 100, 100 और 100, आप कैलकुलेटर पे करके देखो, इन सबको मेमोरी प्लस में डाल के देखो, मतलब जिनको मैं चाहता हूं कि एक साथ जोड़ दूं, बार बार ना मेरे को मेहनत करनी पड़े, तो मैं उन पर जैसे मैं कोई कैलकुलेशन करता हूं जिसका रिजल्ट 100 आता है, मैं तुरंत एक साइन दबा देता हूं मेमोरी प्लस, जिससे वो प्लस वाली फिगर को अपने आप एक तरफ जोड़ता रहेगा। और जब मैं एमआरसी दबा दूंगा, एमआरसी, तो बेटे इनका वो प्लस का इज इक्वल टू टोटल अपने आप निकल आएगा। ये है बस, ऐसी बात मेमोरी माइनस की है। अगर मेरे को साथ साथ में कोई फिगर माइनस करनी है ना, मान लिया इनमें से ये वाली फिगर मेरे को माइनस की करनी थी, तो मैंने इस केस में क्या कहता, उसका मेमोरी माइनस दबा दिया, तो बेटे ये तो आप कैलकुलेटर की बात पूछ रहे हैं मुझसे, जो जिनका हमारी क्लास में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, तब एमआरसी में ये आएगा। चलिए जी, तो ये फंडा कहां पे लगेगा, ये वहीं लगेगा जहां पर हर साल पे करने वाली इंस्टॉलमेंट इक्वल हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, ये हमारा टॉपिक नहीं है बेटे, हम लोग भटक गए हैं टॉपिक से। तो आपका कैश प्राइस ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, ये अपना पर्पस था। हाँ जी, जूम आउट, हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। मैं इसको रब कर दूं बेटे, क्या मुझे रुकना है किसी के नोट करने के लिए? वैसे नोट करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी, बच्चों ने कर ही लिया होगा। चलिए जी, आइए जी, मैं फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी बात ऐसी है ही नहीं जिसके लिए नोट करने के लिए बच्चों को टाइम की आवश्यकता होगी। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, थोड़ा सा बेटे फास्ट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने किया है ना, वो आपने घर से ट्राई कर रखा है, जिसको हम यहाँ पे दोबारा से देखेंगे, वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, पढ़ तो आपने रखा ही होगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शुरू हो जाए जी। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है क्या कि भाई जनवरी 1, 2001 को अशोक जो है ना, अशोक, हाँ अशोक ने एक्वायर किया था फर्नीचर, किस पे, हायर परचेज सिस्टम पे, हायर परचेज बेसिस पर अशोक ने एक फर्नीचर एक्वायर किया जी, चलो अच्छी बात है। किससे, रियलेट्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी, और एग्री किस बात के लिए हुआ, वो इस बात के लिए एग्री हुआ कि भाई वो जो है ना पेमेंट करेगा 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट का, वो कितने कितने की होगी, वो होगी जी 800-800 रुपए की, 800-800 रुपए की बेटे 4 इंस्टॉलमेंट, चलो जी ठीक है, 800-800 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट, और कब से शुरू होगी जी, 30 जून 2001 से, 30 जून 2001 से, ओके। कैश प्राइस कितने का है, 3010 का है बच्चों, 3010 रुपए का कैश प्राइस है।
और इसमें क्या सिस्टम है, इंटरेस्ट है उस पर 5% पर एनम का, और देखो क्या कहते हैं, और 5% पर एनम तो है ही, साथ ही साथ में एक बात और भी है यहाँ पे खास, क्या वो है कि हाफ ईयरली रेस्ट, हाफ ईयरली रेस्ट यानी कि अगर मान लिया, अगर मान लिया यहाँ पर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो हाफ ईयरली रेस्ट लेना होगा। हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब है कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, और बेटे 6 महीने के इंटरेस्ट के बाद में फिर भी जो अमाउंट आए उसके बाद में उस पे, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकालो, और तब जाके आप पहुंचोगे किस पे, सही फिगर पे। चलो जी, ऑन 30 सितंबर 2001, लेकिन ये क्या, इससे पहले कि अगले इंटरेस्ट की बात आगे बढ़ती, 30 सितंबर 2001 को अशोक ने हथियार डाल दिए। उसने कहा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा अब आगे। इट वॉज एग्रीड दैट अशोक वुड पे द ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट अप टू द डेट ऑफ सीजर। कहते आज तक का जो हिसाब किताब बनता है वो ले लो भैया, ठीक है। एंड ऑल्सो एग्रीड, और साथ में मुझसे 200 रुपये उड़ ले, बताओ। एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन, जो हायर वेंडर है वो ले तो आया फर्नीचर, ले तो आया बेटे फर्नीचर वापस, लेकिन उसने आकर के देखा कि अरे ये तो फर्नीचर से 1500 रुपये का है, और उसने 200 रुपये खर्च किए, और तब जाके उसने फर्नीचर को बेचा कितने में, 1800 रुपये में। कब, 15 अक्टूबर 2001 को। प्रिपेयर द लेजर इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड परचेजर, एज्यूमिंग कि परचेजर जो है वो चार्ज करता है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से। अब क्योंकि लेजर आपके पास में, मैंने पहले से आपको सोल्यूशन बना के दे रखे, तो क्यों ना हम लोग बात करें जर्नल एंट्री की। आइए जी, सबसे पहली बात तो टेबल, सबसे पहली बात बेटे टेबल की हम लोग कर लेते हैं। हाँ जी, तो आंसर नंबर 7 में पहला पार्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आंसर नंबर 7 में पहला पार्ट हम लोग बात कर लेते हैं टेबल की, टेबल शोइंग कैलकुलेशंस, टेबल शोइंग कैलकुलेशंस। टेबल शोइंग कैलकुलेशंस, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो भाई कैश प्राइस है इसका, कैश प्राइस है जी 3010 का बेटे, कैश प्राइस है इसमें 3010 का। आगे चलो जी, हाँ जी बेटे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रहा 5% पर एनम, और वो भी कैसा, हाफ ईयरली रेस्ट, 5% पर एनम, वो भी कैसा, हाफ ईयरली रेस्ट। आधा साल, आधा साल खत्म तो तुरंत ब्याज पे ब्याज चालू। क्या कोई डाउन पेमेंट है जी बेटे, क्या कोई डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट नहीं है, माइनस डाउन पेमेंट नहीं जी, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, निल। तो यानी कि 3010 पूरा का पूरा इंटरेस्ट, पूरा का पूरा लोन है जी एक तरह से देखा जाए तो। अब बात करें आगे, हाँ जी सर, तो चार इंस्टॉलमेंट की बात तय हुई 8-800 रुपए की, स्टार्ट कहां, 30 जून से ये ऐसा डिसाइड हुआ था कि चलो भाई 3010 का लोन चला, फर्स्ट पहली इंस्टॉलमेंट कब, 30 जून को, और ये कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001, तो 6 महीने कब होंगे, जब 30 जून 2001 की बात होगी पूरा लिख देता हूं,
30 जून 2001 को पहली इंस्टॉलमेंट जानी है, फिर दूसरी जानी है 31 दिसंबर 2001 को, फिर बेटे तीसरी इंस्टॉलमेंट जानी है 30 जून 2002 को, और बेटे फोर्थ चौथी इंस्टॉलमेंट जो जानी है वो जानी है 31 दिसंबर 2002 को। और कितने कितने की इंस्टॉलमेंट है? 800, 800, 800, 800, 3200। एक बात तो तय है कि ये जो है ना ये 3010 है, पूरा का पूरा कैश प्राइस जो है वो है बेटे 3010। और जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ही 6 महीने का है तो रेस्ट लेने का कोई फायदा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। काश ये पेमेंट एनुअली होता तब जाके ब्याज पे ब्याज जुड़ता ना, नहीं अभी तो जुड़ेगा ही नहीं। 3010 का 5% इंटू 6/12 तो पहले वाले का इंटरेस्ट आया बेटे 75.25। बेटे मुझे सेस पे बताते रहा करो ना साथ साथ में, 724.75 लोन बचा जी 2285.25, फिर इस पर इंटरेस्ट 5% 6 महीने का 57.13, हटा दो जी 800 में से 742 पॉइंट। तो बेटे पॉइंट को हटाते चलते हैं, है ना, पॉइंट को हटाते चलने क्या, पॉइंट को हटाते चलते हैं, इसको मैंने कर दिया 75 तो ये हो गया 725। ठीक है, तो ये अगर 725 हो गया है तो ये कितना हो गया है जी, 3010 माइनस 725 2285 का 57 आ गया जी, और 57 को घटा दो जी 800 में से तो 743 आ गया जी, 743 माइनस 2285, 743 माइनस 2285 1542, हाँ जी 3961, 1542, 781 हाँ जी, लास्ट वाले में तो निकालते नहीं है ना, 3010 माइनस 3200 190। तो मैं रुक गया जी, हो सकता है कोई बच्चा कर रहा हो, वैसे तो ये काम हो चुका है, बच्चों ने होमवर्क कर ही लिया होगा। अब हुआ क्या इसके अंदर, अभी बात करता हूं, अगर कोई बच्चा नोट कर रहा होगा तो मैं उसके लिए रुका हुआ हूं बच्चों। मैच करो बेटे, आपने होमवर्क में कर रखा है टेबल को मैच करो, तब तक मैं निशान लगाता हूं। पेमेंट कौन कौन सा हो चुका है जी, पेमेंट कौन कौन सा हो चुका है? कह रहे हैं जनवरी 1 को बात हो चुकी है, हाँ हो चुकी है। कोई पेमेंट हुआ नहीं, यहां तो पेमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, यस ये पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी थी। क्या बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी थी, ठीक है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट तक जाने का टाइम ही नहीं मिला, यहां कहीं एकदम बीच में डेट है एक, कौन सी डेट है भाई, कौन सी डेट है, 30 सितंबर, 30 सितंबर। आप गौर से देखो बेटे, ये जो 30 सितंबर की डेट है ना, रेस्ट नहीं हो पाएगा दोस्त, रेस्ट लेने का टाइम कहां मिला, क्योंकि देखो ना 6 महीने जैसे ही बात हुई ना, जैसे ही 6 महीने बात हुई तुरंत पेमेंट हो गया। पेमेंट अगर 1 साल में हो रहा होता ना पटना, तो 6 महीने के रेस्ट का तभी तो फायदा होता बेटे, कहते हैं कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना पटना। रेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दो ताकि अगले वाला इंटरेस्ट इसको जोड़ करके निकले, लेकिन पेमेंट तुरंत हो गया,
भाई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग तभी तो शुरू होगी ना जब अगले वाले के टाइम पर ये इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ हो। कैरी फॉरवर्ड कहाँ हुआ, पेमेंट हो रहा है ना साथ साथ छठे महीने में। तो मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच में, देखो क्या है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक का जस्ट आधा पीरियड है, ये 6 महीने का गैप है बेटे, 3 महीने और 3-3 महीने का गैप है अगर आप गौर से देखो तो मैं कह सकता हूं कि इसका आधा इंटरेस्ट ही है जो ड्यू हो पाया, क्योंकि 30 सितंबर तक तो मैं बात करूं तो बेटे 57 तो 6 महीने का इंटरेस्ट है, अगले 6 महीने का 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट है 57 रुपए। तो इन 3 महीने का इसका आधा बैठ जाएगा ना, 57 का आधा कितना होता है 28 समझ लो, ठीक है, वो इंटरेस्ट बेटे ड्यू बैठ जाएगा। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 800 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, हाँ बिल्कुल है, 800 रुपए का आधा, आधी इंस्टॉलमेंट ड्यू बैठ जाएगी, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका आधा और इसका आधा ये दोनों चीज है जो ड्यू प्रोपोर्शन कहलाएंगे 30 सितंबर तक के लिए। बोलो बेटे इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि मुझे लगता है शायद डाउट यहीं पे होगा। आइए मैं फिर भी आगे चलता हूं। हाँ जी, तो दोनों की बुक्स में हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज दोनों की बुक्स में। इधर तो है जी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, नाम क्या है जी हायर वेंडर का, रियल एड्स लिमिटेड, रियल एड्स, सर जूम आउट कर लो ना, रियल एड्स लिमिटेड यानी हायर वेंडर, हायर वेंडर। और इधर की बात करूं मैं तो ये है बेटा क्या, बुक्स ऑफ हायर परचेजर, क्या नाम है इसका, अशोक, मिस्टर अशोक, हायर परचेजर। हाँ जी आप कंप्लीट जूम आउट कर दो थोड़ा सा और। तो बात आगे बढ़ाते हैं जी, सबसे पहली डेट कौन सी है, सबसे पहली डेट है एग्रीमेंट की 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को एग्रीमेंट की डेट पर क्या एंट्री होगी दोनों के यहां पर। हाँ जी, इसके लिए तो बेटे फिक्स एसेट्स है, नाम क्या है फिक्स एसेट्स का यहां पर, फर्नीचर, सबसे पहली एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रियल एड्स लिमिटेड। बेटे लेजर आपके पास में है बच्चों, कितने रुपए की असेट्स खरीदी, 3010, 3010, और इसने क्या किया, इसने फिक्स एसेट्स बेची, नहीं जी इसके लिए तो गुड्स था, इसकी तो सेल की एंट्री होनी है। हाँ जी, अशोक अकाउंट डेबिट हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल 3010, 3010। अगली एंट्री डाउन पेमेंट तो कुछ हुआ नहीं, नहीं, फिर बात कब चली जी, फिर बात चली सीधा सीधा ईयर एंड पर, ना 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 ईयर एंड नहीं, 6 महीने के बाद। अगली डेट है हमारी 30 जून 2001, जब इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट की डेट है बेटा ये, पहले हुआ जी इंटरेस्ट ड्यू और फिर इंस्टॉलमेंट का हुआ जी पेमेंट, पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। डायरेक्ट लेजर बनाए क्या, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं बेटे, पर क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा मैं ऐसे स्लो चलूंगा, ठीक है, आज आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी,
फुल रिपोजिशन की बात हम लोग कर रहे हैं। लेजर मैंने आपको सोल्यूशन बना करके दे रखा है बेटे, बुक्स में दे रखा है और वो बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ड्यू की बात अगर मैं करूं तो सेकंड वाली एंट्री है अपनी इंटरेस्ट की ड्यू करने की, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियल एड्स लिमिटेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियल एड्स लिमिटेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियल एड्स लिमिटेड। और कितने रुपए का है जी इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट में? पहली इंस्टॉलमेंट में है बेटे 75 रुपए का, 75। इधर इसने भी अशोक को डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए, अशोक डेबिट टू इंटरेस्ट 75 रुपीज, 75 रुपीज। अब बात है इंस्टॉलमेंट इसने पे की, सी एंट्री है इंस्टॉलमेंट पे करने की, बाय रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू बैंक। लो जी पहले वाली इंस्टॉलमेंट तो चली गई जी, 6 महीने के बाद वाली इंस्टॉलमेंट चली गई और उसने रिसीव कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक 800 रुपए। ये थी बेटे पहली 6 महीने की बात। जनरल एंट्री क्यों कर रहे हैं? जनरल एंट्री एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है इसलिए, और दूसरी बात कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए हम बात कर रहे हैं। बेटे मैंने आपको लेजर का सॉल्यूशन दे रखा है, डोंट वरी, मैं साथ में जनरल एंट्री भी करा रहा हूं, लेजर भी करा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं डेप्थ में, ठीक है? आइए जी नेक्स्ट, अगली एंट्री कब आएगी जी? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं अभी से? नहीं, अभी से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी डेट पे बात होगी? डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे बात होगी। हाँ, तो उससे पहले पहले बात क्या हुई? उससे पहले बात आई 30 सितंबर की, 30 सितंबर 2001। जनरल एंट्री इसलिए भी करनी जरूरी है बेटे क्योंकि रिपोजिशन की बात आपको तभी ज्यादा समझ में आएगी। क्या कहते हैं 30 सितंबर को? ये कह रहे हैं भैया 31 दिसंबर तक जाने का मौका नहीं मिला, 30 सितंबर को सारा काम खत्म। यहां पे ये कह रहे हैं 4 फीचर हो रहा है, लेकिन 4 फीचर तो हो ही रहा है, साथ में कुछ पेमेंट भी किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं यहां पर, पहले एक काम कर लो, पहले यहां तक का ड्यू कर लो इंटरेस्ट। लो भाई पहले तो यहां तक का इंटरेस्ट टिल डेट ड्यू 6 महीने में से बेटे 3 महीने बीते हैं और 3 महीने कहते उसने मना कर दिया कि भाई मेरे बस की नहीं आगे, तो यहां तक का इंटरेस्ट ड्यू किया जा रहा है। हाँ जी, एंट्री तो वही होगी बेटे इंटरेस्ट की ड्यू करने की, इंटरेस्ट डेबिट टू रियल एड्स, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो कैसे होगा? वो कैसे होगा बेटे? वो 6 महीने का होगा क्या? जी नहीं, वो सिर्फ 3 महीने का होगा। कितना? 28 रुपए। आपको पता है 57 रुपए का आधा 28.5 होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे 28 कर दिया फॉर द सेफ्टी। इसने क्या किया यहां पे? इसने भी इंटरेस्ट को ड्यू कर लिया जी, अशोक डेबिट टू इंटरेस्ट, अशोक डेबिट टू इंटरेस्ट 28 रुपए, अशोक डेबिट टू इंटरेस्ट 28 रुपए। और देखो जी और क्या, और साथ साथ में इसने एक काम और भी कर दिया। क्या क्या? यहां तक का उसने कहा यहां तक का जो हिसाब किताब बनता है भैया वो तो ले लो, आधी इंस्टॉलमेंट बनती है, आधे का इंटरेस्ट ड्यू और आधी इंस्टॉलमेंट आप हमसे ले लो। तो पहले तो बेटे ये आधा पेमेंट कर दिया, रियल एड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले बेटे आधे पैसे दे दो उनको। कितने रुपए? ये है जी 400 रुपए, क्योंकि 6 महीने अगर पूरे बीतते तो 800 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती, यहां पर आधी आधे इंस्टॉलमेंट गई और इसने वो पैसे लेकर के रख लिए, बैंक डेबिट
टू अशोक, बैंक डेबिट टू अशोक 400 रुपये। सबसे पहली बात तो ये है। अब बात चली जी फोरफीचर की। तो फोरफीचर की जब बात शुरू हुई तो उससे पहले हमें बात करनी है लेजर्स की। पहले बेटे यहां तक के लेजर बनाने हैं सारे बच्चों को, हालांकि मैंने असाइनमेंट में दे रखे हैं, तो मे भी कुछ बच्चों को हो सकता है उसमें दिक्कत होगी, तभी उन्होंने डाउट पूछा है। आइए मैं बात शुरू करता हूं। तो मैं लेजर बना रहा हूं ये मानते हुए कि बच्चों ने एंट्री नोट कर ली होगी। बेटे कोई रह गया हो तो मुझे बता देना सेस पे। आइए जी, पहले यहां तक की जन एंट्रीज के लेजर्स इधर तो है जी। इधर की तरफ बात करते हैं बुक्स ऑफ हायर वेंटर परचेजर, और उधर की बात करेंगे बुक्स ऑफ हायर वेंटर। एक तरफ होंगी बुक्स ऑफ हायर परचेजर और एक तरफ होंगी बुक्स ऑफ हायर वेंटर। बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक हायर परचेजर, इधर बुक्स ऑफ रियलेट्स लिमिटेड, हायर वेंडर। इनके यहां पे सबसे पहला लेजर जो बनेगा वो बनेगा बेटे हायर वेंडर का। रियलेट्स लिमिटेड अकाउंट, यानी कि हायर वेंडर का अकाउंट। और वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा हायर परचेजर का अकाउंट। हायर परचेजर है अशोक, मिस्टर अशोक, अशोक अकाउंट। अशोक कौन है भाई? अशोक है जी हायर परचेजर। रेड वाला मार्कर सर, रेड मार्कर चाहिए। हाँ जी बेटे, सेकंड वाला लेजर फिक्स असेट्स। नाम क्या है जी फिक्स असेट्स का? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। और ये फिक्स असेट्स उसके लिए वापस होके क्या बनेगी? सेस रिटर्न, यानी गुड्स रिपोजेस। सेस रिटर्न का थोड़ा डरावना नाम, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वहां जल्दबाजी ना करो, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। भले ही आपको समझ में आ गया आराम से बेटे, हमेशा चीजों को बेसिक से उठाना। तो सबसे पहली डेट कौन सी है जी? सबसे पहली डेट की एंट्री कौन सी डेट की है भाई? हाँ जी 1/4/2001, 1/4/2001 को क्या हुआ? बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर 3010, 3010 रुपए का फर्नीचर आ गया जी फर्नीचर अकाउंट में 1/4/2001 को। टू रियल एड्स लिमिटेड, टू रियल एड्स लिमिटेड 3010, सबसे पहली एंट्री तो ये है। फिर इसके बाद में बात हुई बेटे 30 जून की। 30 जून को क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट ड्यू हुआ। एंट्री बनी फिर 30 जून 2001 को, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना था? ये था जी अपना 75 रुपीज का। और बेटे 6 महीने की इंस्टॉलमेंट भी पे हुई ना सेम डेट पर, 30 जून 2001 टू बैंक। 6 मंथ वाली पहली इंस्टॉलमेंट 800 रुपए का पेमेंट हो गया जी। अच्छा फिर इसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई बाई इंटरेस्ट, लेकिन इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं, यहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया 30 सितंबर
2001 को ही सरेंडर कर दिया जी, 30 सितंबर 2001 को ही इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो वहां तक का इंटरेस्ट ड्यू किया जा रहा है जो है कितना, 3 महीने का, ना कि 6 महीने का। भाई ये वाला कितने महीने का है, यह है 6 मंथ का, और ये वाला कितने महीने का है, यह है 3 मंथ का, क्योंकि 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट ड्यू किया गया है। यहां पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में इनेबिलिटी बताते हुए सरेंडर किया गया, और उतना पार्ट इसको पेमेंट कर दिया गया टू बैंक, कितना, 400 रुपए, 30 सितंबर 2001। इसी बात को बेटे उसने वहां पर अपने यहां पोस्टिंग की होगी ऐसे के ऐसी, 1/4/2001। बेटे ज्यादा टाइम मत लगाना एग्जाम में, देखो आपका टाइम बचेगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उधर से फोटोकॉपी कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमने कल प्रैक्टिस की थी क्या कि इधर के राइट साइड वाला उधर लेफ्ट साइड में एज इट इज दिखाई देता है, अशोक डेबिट टू हायर परचेज सेल, टू हायर परचेज सेल्स 3010, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, टू इंटरेस्ट 75, और 6 महीने की इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, उसने टू बैंक बोला, मैंने इधर क्या बोला, बाई बैंक 800 रुपए, फिर इसने इंटरेस्ट ड्यू किया, टू इंटरेस्ट कितना, 28 रुपए, और इधर पेमेंट किया तो इसने पेमेंट रिसीव किया बाय बैंक कितना, 400 रुपए, 400 रुपए, और क्या बोला जी, और साथ में बेटे 200 रुपए और पेमेंट किए इन्होंने, इन्होंने कहा था क्या, साथ में 200 रुपए और पेमेंट किए। अब 200 रुपए और पेमेंट किए तो जरा देखो तो सही, कितने रुपए पेमेंट किए, लो भाई 200 रुपए और एक्स्ट्रा पेमेंट किए। चलो जी पहले पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो जी, इसी डेट को टू बैंक एक और हुआ जी, टू बैंक कितना, 200 रुपए, सेम डेट पे हुआ, ये दोनों एंट्री सेम डेट की है, ये एक्स्ट्रा एज ए पेनल्टी समझ लो, एज ए एक्स्ट्रा पेमेंट समझ लो, और इसने क्या किया, वो 200 रुपए अपने पास में लेकर के रख लिए। सबसे पहली बात तो यहां तक खत्म करो, मैंने माना बच्चों को यहां तक लेजर क्लियर है। अब मैं दोनों की बुक्स में इस वाले 200 रुपए के पेमेंट की एंट्री करने जा रहा हूं जी, तो मैं स्क्रीन से फिलहाल लेजर हटा रहा हूं और मैं जन एंट्री पर पहुंच रहा हूं इस 200 रुपए की एंट्री दोनों की बुक्स में डालने के लिए, क्योंकि कंप्लीट हमने क्या कर रखा है, यहां तक तो हमने बात कर रखी है, 6 महीने में से 3 महीने तक की जो इंस्टॉलमेंट बैठ रही थी वो हमने पे कर दी, और एक एंट्री और अलग से रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने एक अमाउंट और एक्स्ट्रा पे कर दी। अब पता है बच्चे क्या डाउट पूछेंगे, क्या सर इन दोनों को इकट्ठा करके 600 रुपए नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, तो इसलिए बेटे मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग डिटेल में करके दिखा रहा हूं। बैंक डेबिट टू अशोक, ये पेमेंट 200 रुपए एक्स्ट्रा लिया गया एज ए डिफॉल्टर, एज ए डिफॉल्टर, एज ए सरेंडर चार्जेस, ये एक्स्ट्रा लिया गया 200 रुपए, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से दिखाया। एग्जाम में हम चाहे तो इसको इकट्ठा 600 दिखा सकते हैं, बस एंट्री सही इंटरप्रेट करो आप, ठीक है। अब देखते हैं जी इसके बाद में क्या हुआ जी, इसके बाद में हुआ ये कि भाई फोरफीचर हो गया, अच्छा मतलब वो असेट्स को लेकर के गया। चलो जी यहां से पहले असेट्स भेजते हैं। मैं अब इससे ऊपर वाली जगह की एंट्रियां रब कर रहा हूं और मैं यहां पर बेटे फोरफीचर की एंट्रियां डालूंगा, क्योंकि ये एंट्रियां तो आपने नोट कर ली होंगी, कई बच्चे तो बिना जन एंट्री के भागने की सोच रहे हैं आगे। बेटे जब भी डाउट आएगा ना तो आपको वापस से घूम के जन एंट्री पे आना पड़ेगा, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम जन एंट्री की बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट लेजर पे पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बच्चों। हाँ जी, तो 30 सितंबर की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात कर रहा हूं 30 सितंबर की डेट पर फोरफीचर की। ऑन फोरफीचर क्या एंट्री होगी जी,
ऑन फॉर फीचर, क्या एंट्री होगी जी? भाई इधर से फिक्स से जाएगी और हायर वेंडर का अकाउंट खत्म कर देगी। हाँ जी, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर अकाउंट, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बेटे जो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होगा, जो रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट का बैलेंस होगा, सबसे पहले बात मैं इतनी करूंगा, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो देखो तो जरा, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, क्या बेटा, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर वेंडर के अकाउंट का क्या बैलेंस बच रहा है? 3010 प्लस 75 प्लस 28, 3113 माइनस 1400 हो गया ना, 1713 अमाउंट बैलेंस बच रहा है जी। और ये अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर किया जाता है? फर्नीचर के लेजर में, क्या मानते हुए कि ये फर्नीचर इतने रुपए में बिक गया जी। एंट्री क्या होगी बेटे? सेम डेट पर एंट्री हो रही है, इसलिए मैं डेट अलग से नहीं डाल रहा। टू फर्नीचर अकाउंट, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट में पहले तो आएगा यहां पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि बेटे यहां पर इस डेट तक डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, वो असेट्स घिस चुकी है 30 सितंबर 2001 तक पहले डेप्रिसिएशन लगा, और फिर यहीं पर बेटे रिपोजिशन हुआ बाय रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट बाय रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट। जो भी हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स प्राइस ऑफ द असेट्स। अच्छा, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी, इसका मतलब 3010 पर जरा लगाना बेटे, 9 महीने का डेप्रिसिएशन 225 रुपए, 226 रुपए आ रहा है जी, 226 रुपए आ रहा है। तो आइए जरा मैं इस बात को भी वहां पर जन एंट्री में ले आता हूं। हाँ जी, फॉरफीचर के टाइम पर, फॉरफीचर वाली एंट्री से पहले एक एंट्री और कर लो। पहले तो बेटे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वहां तक का डेप्रिशिएट कर लो पहले, देखे तो सही फर्नीचर बचा कितने का है जो जा रहा है। 276 रुपए का उस पर डेप्रिसिएशन था ना, ये था जी 226 रुपए का, 226 रुपए का डेप्रिसिएशन, 226 रुपए का डेप्रिसिएशन। और फिर बात हुई जी फॉरफीचर की, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 1713 रुपए का बैलेंस, और टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर देखो भाई कितने का था, फर्नीचर देखो बेटे कितने का था, 3010 माइनस 226, फर्नीचर था 2784 रुपए का। ये कैसे आया जी भाई, 3010 की तो डेबिट साइड में देखो वहां पर, और माइनस 226 रुपए का आपने डेबिशन लगा दिया, 2784 रुपए की बुक वैल्यू बची हुई थी ऑन दैट डेट, और बिका कितने का, 1713 रुपए का बिका जी। यानी कि 1071 का क्या आ गया बेटे, लॉस। कहां जाएगा ये, पीएनएल में, 1071 का आ गया बेटा लॉस, कहां जाएगा ये पीएनएल में। अब सारे बच्चे मुझे पहले बताएंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ये बात ओके है कि नहीं, करना क्या है यहां पे, बस हायर वेंडर के अकाउंट का बैलेंस माना जाएगा जैसे ये सेल्स प्राइस हो, क्योंकि ये फुल रिपोजिशन है, मतलब सारी की सारी असेट्स जा रही है, तो सारा का सारा हिसाब किताब खत्म किया जा रहा है। बोलो बेटे सेस पे लिख के मुझे बताओ, क्या ये वाली एंट्री ओके है, एच एंट्री ओके, मुझे ये बात बताओ जल्दी से। सारे बच्चे लिखेंगे अगर ये बात समझ में आ गई है तो, एच एंट्री ओके।
मैं वेट कर रहा हूं बच्चों। एच एंट्री ओके। हाँ जी, वाराणसी, पटना, लक्ष्मीनगर, धनबाद। धनबाद कह रहे हैं कि यस सर ओके है, तो यानी बाकी, अच्छा एंट्री ओके, वाराणसी का जवाब भी आ गया, यानी बाकी बच्चों को भी ओके है। बेटे अभी उधर मत जाना, उधर खतरा हो जाएगा। एक तरफ का कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी पोस्टिंग भी देख लेते हैं लेजर में। ये आ गई जी यहां पर। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटे, पोस्टिंग करनी है। हाँ जी, रियल एड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर 1713। ये वाला लेजर जूम कर लीजिए सर, नीचे वाला 3010 3010। और डिफरेंस क्या आ गया बेटे, बाई पीएनएल। हाँ जी 1071 1071। सबसे पहली बात तो इतनी बात है जी, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों ने नोट कर लिया होगा और उनको समझ में भी आ गया होगा। चलिए जी जूम आउट। अब हम चल रहे हैं कहां पर, इन द बुक्स ऑफ हायर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आइए जी, हायर वेंडर ने क्या किया जी, हायर वेंडर ने क्या किया, हायर वेंडर ने क्या किया, हायर वेंडर ने भी यही अकाउंट बनाया, लेकिन वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा जी, क्योंकि उसका काम थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगाना। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अपने आप पे गुड्स वापस लेकर के आया फोरफीचर के टाइम पर, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी जी। बस यहां पर मैं इस एंट्री को मैं लिख देता हूं जी। बेटे आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, ये आपकी एंट्री का नंबर मैच होता रहे, इसलिए मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं। आपके यहां पर ये कॉपी में एंट्री जी नंबर पे आनी चाहिए, जो मैं यहां पे कर रहा हूं एच नंबर में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी जी, गुड्स वापस आया, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू अशोक, टू अशोक अकाउंट। हाँ जी, कितने रुपए का गुड्स आया जी, कितने रुपए का गुड्स आया जी। भाई जितने रुपए का अशोक का अकाउंट था, अशोक का अकाउंट खत्म हो गया और उसके बदले गुड्स आया जी। तो यहां पर दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था। क्या सर, क्या बताया था आपने, जरा दोबारा रिपीट करो। मैंने ये कहा था बेटे कि अगर ये आकर के ऐसा माथा पटक रहा है, अरे ये तो 1500 रुपए का है, जैसे हमारे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि अरे ये तो 1500 रुपए का है और मैं उससे छोड़, मैं ले आया कितना 1713 का अकाउंट, तो आराम से चलना। मैं यहां पर ये नीचे वाली एंट्रियां रब कर रहा हूं और मैं इसके दोनों अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे जैसे होगा मैं दोनों के दोनों सेपरेट सेपरेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले सीधा सीधा फंडा, सबसे पहले बेटे सीधा सीधा फंडा। वो सीधा सीधा फंडा क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि जो भी हायर परचेजर का अकाउंट का बैलेंस है उसके बदले ये गुड्स आया, और आप देखोगे इसके यहां पर इसका बैलेंस भी सेम आएगा, 1713 आया। आप लेजर अभी चेक करोगे उसका बैलेंस यही आ रहा है और ये इसके बदले आया गुड्स, तो 1713 का रिकॉर्ड करो। सबसे पहला तो ये तरीका है और ले आए वहां से खींच के, हाँ, और अब आके माथा पटको और बोलो आई एंट्री क्या, अरे ये तो सिर्फ 1500 रुपए का है, फिर पहले इसको हमने 1713 पे रिकॉर्ड किया था, अब हम इसको कम करते करते 1500 तक लेके आए। सबसे पहली बात तो ये तरीका है, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। लेजर पे मत जाना, जो मैंने आपको आंसर दे रखा है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग दे रखा है और मैंने उसको क्लास में भी कराया था। बेटे फिर उसको 213 रुपए से डाउन करो तुरंत के तुरंत, सेम डेट की एंट्रियां हैं ये, सेम डेट की एंट्रियां हैं, रिपोजेशन की डेट की एंट्री है कि ला करके देखा वो तो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का है, तो 213 रुपए तुरंत अगली एंट्री में घटा दिए। पहला तो तरीका है ये, और फिर रिपेयर के खर्चे और फिर सेल की एंट्री, वो तो होनी होनी है।
और इन दोनों एंट्री का एक और शॉर्टकट है कि इसी डेट पर हम एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर लें। वो क्या ट्रीटमेंट है, मैं उसको इधर रेड पेन से करके दिखा देता हूं कि इन दोनों एंट्री के बजाय एक एंट्री भी हो सकती है। मेरे ख्याल आप भी कर सकते हो कंपाउंड एंट्री। तो वो क्या एंट्री है जी, ट्रीटमेंट इन दोनों के बदले अल्टरनेटिव। इन दोनों के बदले मैं यहां पर दूसरा अल्टरनेटिव कर सकता हूं, क्या गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट 1500 रुपए, P&L अकाउंट डेबिट 213 रुपए और टू अशोक अकाउंट, क्योंकि बेटे अशोक का अकाउंट तो 1713 रुपए से खत्म हुआ ना, और गुड्स हमारे पास कितने का आया, वो 1500 रुपए का है, हमने आकर के देखा वैल्यू किया, लेकिन लाए किसके बदले, 1713 के बदले। मुझे अब सब बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या ये दोनों अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ओके हैं, क्योंकि फिर मैं तभी इसको लेजर में पोस्टिंग करूंगा। बोलो बोथ ओके, बोथ ओके। अगर आप बोलोगे बोथ ओके तो मतलब आपको दोनों अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ओके हैं, या तो भाई ये कर लो या इन दोनों के बजाय, इन दोनों के बजाय ये वाला ट्रीटमेंट कर लो। तो धन्यवाद का जवाब आ गया, ओके है सर। बेटे बाकी सेंटर भी प्लीज मुझे बताएं, लेजर पोस्टिंग अभी करते हैं, डोंट वरी। वाराणसी का जवाब आ गया है, बहुत ओके है। हाँ जी, लक्ष्मी नगर और पटना, मैं मान रहा हूं कि आपको भी ओके है, वरना बेटे डाउट है तो सेस पे लिखो। तो अब आप देखो बेटे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक इस तरह से बताया है जिससे कि आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। हाँ, सॉल्यूशन आपका फाइनल आंसर तो सेम होगा और इंस्टीट्यूट नंबर भी नहीं काटेगा। मैंने आपको एक याद करने का एक अच्छा तरीका बताया है। क्या भाई, यहां पर 17 अकाउंट किसका, हायर वेंडर के अकाउंट का बैलेंस, हाँ वो सेल्स प्राइस बन जाएगा, ठीक है। यहां पे गुड्स की कॉस्ट बन जाएगी, हायर परचेजर के अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन हर क्वेश्चन में दिया नहीं होता, कई बार क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता कि उसको वैल्यू किया गया। अब वैल्यू नहीं किया गया तो बच्चा वहां पे क्या करता है, ढूंढता है, अरे यार इसमें तो वैल्यू मिली नहीं, अब मैं क्या एंट्री करूं, क्योंकि उसने रट रखा होता है। क्या रट रखा होता है कि यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वो वैल्यू वैल्यूड फिगर जिसपे कि हायर वेंडर ने आकर के वैल्यूएशन किया। सारे क्वेश्चन में बेटे 1500 नहीं मिलने वाला, उस क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा बच्चा फंस जाएगा जो रटेगा, जो ये सोचेगा कि मेरे को तो इस क्वेश्चन में 1500 मिला ही नहीं, अब मैं क्या करूं। और वहां कोई मुन्ना भाई MBBS वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि फोन मिला और पूछ लिया। तो ध्यान से, रटना नहीं है, समझना है। अकाउंट के बदले ये गया, अकाउंट के बदले वो आया, हो गई बात खत्म। और अगर रिवैल्यूएशन है तो उसको उस वैल्यू तक लेकर के आए। सर हाँ, एक डाउट आया। क्या डाउट आया, एक बच्चा मन मन सोच रहा है, सर जरूरी है 1500? मैंने कहा क्या मतलब, हो सकता है ना ये 2000 से ऊपर पहुंच जाए, 2100 हो जाए, तो क्या हम यहां प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेंगे? ना बेटा ना, हम है प्रूडेंट पर्सन, अकाउंट्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं ना, कि जब तक जेब में प्रॉफिट नहीं आ जाएगा हम उसको रियलाइज नहीं करते। तो आइए फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। तो मैं लेके चल रहा हूं बेटे डिटेल में, ये शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं कराना चाहता क्लास में आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग अब लेजर में पोस्टिंग आएगी जी। चलो जी, लेजर में पोस्टिंग करते हैं जी। बात अब इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर चल रही है। सर हाँ, क्या फुल रिपोजिशन के केस में हायर परचेजर के यहां भी कोई शॉर्टकट है क्या? ना बेटा ना, हायर परचेजर के यहां पे शॉर्टकट नहीं है। तो वो शॉर्टकट सिर्फ हायर वेंडर के यहां है, यस। तो इसका टोटल तो 3113 है, 3113 है, और इधर हमने बाई गुड्स रिपोजेस हमने नोट कर लिया जी, कितने का, 1713 का। तो इसका जो गुड्स रिपोजेस है वो है 1713, और यही अकाउंट का बैलेंस हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। बेटे रटे क्यों, कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना। टू अशोक 1713,
लो भाई इतने रुपए का ये गुड्स आया वापस। अगर मैं इसको 1500 का लिख रहा होता, अगर मैं शॉर्ट कट एंट्री कर रहा होता, अगर मैं इसको 1500 का लिख रहा होता बेटे, शॉर्ट कट होता, जस्ट इमेजिन क्या क्या पोस्टिंग हो रही होती। मैं नहीं कराऊंगा शॉर्टकट, फिर मैं यहां लिख रहा होता 1500 और यही मैं पोस्टिंग कर रहा होता पीएनएल में 213 रुपए। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ जी इस गुड्स का, कह रहे ला करके देखा कि ओ माय गॉड ये तो 1500 है। मैंने कहा ओके आप फिर एक काम करो, तुरंत के तुरंत हम इसका एक और लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्या बाई पीएनएल 213 रुपए। बेटे कई सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, इसीलिए तो इसमें कंफ्यूजन बताया जाता है। हाँ जी बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1500 रुपए, 1500 रुपए। लो भाई लो, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। सर जूम कर लेना नीचे वाला लेजर। लो बेटे मैं आपको इसी लेजर पे लेके आ रहा हूं अब बस खाली। तो 1713 रुपए का वापस आया गुड्स और उसको रिवैल्यू किया गया कि वो 1500 रुपए का था। तो एक तरीका यह है कि 213 का लॉस मैं तुरंत रिकॉग्नाइज कर लूं और बाद में क्या हुआ उसका रिपेयरिंग कराया ना 200 रुपए का, हाँ और फिर भेज दिया 1800 का, ठीक है। तो टू बैंक ठीक है जी, टू बैंक 200 रुपए और बेच दिया कितने में बाई बैंक 1800 रुपए। आपको पता है फिर यहां पे एक और प्रॉफिट आएगा, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा मेरे को, रुको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए। 1713 रुपए हाँ, एक मिनट 1500 और 200, टू बैलेंस ब्रोट डाउन और टू बैंक 200 रुपए और फिर क्या हुआ जी इसको बेच दिया कितने में 1800 रुपए में। 1800 रुपए बेचने में पता है प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। कितनी अजीब सी बात लगेगी अगर मैं आपसे कहूंगा कि बेटे एक और तरीका है यहां पर एंट्रीज करने का, लेकिन पहले जरा इस बात को समझ लो अच्छे से, ये बात ओके है कि नहीं। पहले आप इसको नोट कर लो सारे बच्चे पहले सारे बच्चे इस वाले लेजर को नोट करेंगे और मुझे बताएंगे ये बात समझ में आ गई या नहीं। डेट दे रखी है ना 15 अक्टूबर, हाँ 15 अक्टूबर डेट दे रखी है। ये तो 1 अक्टूबर को ब्रोट डाउन हुआ क्योंकि 30 सितंबर को गया और जी 1 अक्टूबर 2001 को बैलेंस ब्रोट डाउन हुआ, फिर 15 अक्टूबर को रिपेयर करा करके बेचा। मुझे सारे बच्चे सेस पे लिख के बताएंगे इस बारे में, एवरीथिंग ओके। नहीं ये वाला लेजर नहीं दिखाना, सिर्फ ये वाला दिखाना है। अच्छा अच्छा ओके समझ गया मैं आपके पास। एवरीथिंग ओके, वाराणसी का एवरीथिंग ओके आ गया है बेटे, बाकी सब सेंटर का भी मुझे एवरीथिंग ओके चाहिए, तभी मजा आएगा आगे बढ़ने में। क्योंकि अभी मैं इसी में कुछ और थोड़ा सा अल्टरनेटिव आपको दिखाऊंगा और आप सारी बातों पर राजी हो गए, हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, फिर आपको ना कभी भी डाउट नहीं आएगा एग्जाम में, कोई जल्दबाजी नहीं। वाराणसी का एवरीथिंग ओके आ चुका है, धनबाद, लक्ष्मीनगर, पटना लो जी ये आ गया, धनबाद का भी आ गया है, लक्ष्मीनगर, पटना। अच्छा लक्ष्मीनगर का तो सेस बंद था लेकिन नहीं, उन्होंने सेस पे लिखा था।
चलिए मैंने माना एवरीथिंग ओके, उनके सेस में कोई दिक्कत होगी। अब इसी का एक और ट्रीटमेंट में इसी के बराबर में बेटे इसका अल्टरनेटिव लेजर बना रहा हूं। कैसे जी कैसे, वो देखो जरा, मैं इसी के बराबर में दोबारा से इसी का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट वाला लेजर खींच रहा हूं यहां पे, और आप लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ज्यादा बढ़िया है। लेकिन नंबर किसी पे भी नहीं कटने वाले, कमाल की बात देखो, क्योंकि सब कुछ एकदम सही है। तो देखो जरा, मैं इसी लेजर को दोबारा से यहां बनाता हूं। 30 सितंबर 2001 को अगर मैं इसमें ऐसे कर लूं, क्या टू अशोक, हाँ टू अशोक, क्या 1713, हाँ जी 1713। मैं वो वाली बातें तो बिल्कुल ही अलग साइड में रख के बैठा हूं, जहां 1500 213 यहां कर सकते थे, उसको छोड़ करके मैं एक नॉर्मल टेंडेंसी में लेके चल रहा हूं, क्योंकि वो भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता था। टू अशोक 1713, बेटे देखो आप गौर से, इधर तो मैं कह रहा हूं इस पुराने वाले माल पर जो वापस आया ना, उस पर 213 का लॉस हुआ। फिर मैं कह रहा हूं इस पे 213 के लॉस के साथ साथ में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और सारा काम एक ही फाइनेंशियल ईयर में। ये गौर से देखो आप, सारा काम बेटे एक ही फाइनेंशियल ईयर में। तो पता है यहां पर एक शॉर्टकट लग सकता है क्या, कि मैं इसके गुड्स के बिकने का इंतजार करता हूं, उससे पहले मैं पीएनएल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार गुड्स के रेट बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे। मैं ले तो आया 1713 का वापस, और आकर के देखा अरे ये तो 1500 का है, और मैंने तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। क्यों भाई, ऐसे तो पता नहीं कितनी बार रेट घटते बढ़ते हैं, मैं साल भर का इंतजार नहीं करूंगा क्या, फाइनल अकाउंट किस बात के हैं फिर। तो ये एक और ट्रीटमेंट है अल्टरनेटिव, वो क्या कहता है कि एक ही ईयर की बात है जब, तो रेट घटने पर तुरंत लॉस मत मानो, बिकने का इंतजार करो। वो कहते हैं भाई फटाफट से बताओ क्या करना है, कि टू बैंक आप इसकी रिपेयरिंग का खर्चा कर लो। मैंने कहा लो भाई कर देते हैं, भले ही 200 रुपए का मैंने उसको आंका, लेकिन मैंने अभी तुरंत लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि बात एक ही फाइनेंशियल ईयर की थी। और मैंने इसको बेच दिया जी, कब मैंने बेच दिया इसको, कब बेचा बेटे, 15 अक्टूबर 2001 बाई बैंक 1800 रुपए। और बेटे अब देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है कि लॉस है, देखे कौन सा सेंटर मुझे बताएगा प्रॉफिट है कि लॉस है, और है तो कितना, अगर है तो कितना, देखिए कौन सा सेंटर मुझे सबसे पहले बताने वाला है। कंपटीशन चालू, हाँ जी उसी सेंटर का आंसर लिखूंगा जो बच्चा सबसे पहले भेजेगा। वेरी गुड, धनबाद, धनबाद ने भेजा है, लेकिन हाँ धनबाद ने जब दोबारा आंसर भेजा तब भेजा, बिल्कुल सही। लेकिन धनबाद जरा ध्यान से बेटे, प्रॉफिट नहीं है ये। धनबाद जल्दबाजी में आपने बेटे प्रॉफिट लिख दिया, ये क्या है लॉस। 1713 और 200 कितना हो गया 1913, ये एक अल्टरनेटिव है इसका। तो यहां पर क्या है 113 रुपए का लॉस है, वो पीएनएल में जाएगा। ये बेटे एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं इस चैप्टर में, वही बच्चा मुश्किल महसूस करता है गुड्स रिपोजेस में, जो बच्चा यहां पर तरीके से मेहनत नहीं करता, कभी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वाले अल्टरनेटिव से देख लेगा, चलो बड़ी मुश्किल से एक समझ में आ गया जी, हमने एक को दिमाग में फिट कर लिया जी, फिर उठाया तो दूसरी बुक में उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या दूसरे टीचर ने उसको कराया, वो दूसरे टीचर जो है वो इन वाले मेथड को फॉलो करने। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा हो जाता है उलझ, और फिर कहता है यार ये तो चैप्टर बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किलबाजी नहीं है यहां पर, यहां पर सिर्फ है टेक्निक, टेक्निक है बेटे, अल्टरनेटिव ऑफ अकाउंटिंग है। तो मैंने माना कि इतनी बात ओके है बेटे, ये दोनों एक अल्टरनेटिव आपने नोट कर लिए हैं। तो मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं जी,
आई थिंक अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, अब हम चल सकते हैं, अब हम चल सकते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बोलो बेटे, सारे बच्चे मुझे सेस पे लिख के बताएं, क्या मैं आगे चलूं? क्योंकि मुझे नया कॉन्सेप्ट कराना है, दो कॉन्सेप्ट मुझे कराने हैं यहां पर। हाँ जी, सेस पे सारे बच्चे लिखेंगे आगे चलो। गुड्स रिपोजेस वाला लेजर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं आपको गुड्स रिपोजेस वाला लेजर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। ये वाला बेटे, धन्यवाद, ये वाला ना, या ये वाला, ये दोनों ही लेजर एक जैसे हैं बेटे। मैं इधर से हटा देता हूं पहले, क्योंकि हायर परचेजर के यहां पर तो कोई उलझन है ही नहीं। अब आपको हायर परचेजर के यहां तो एक ही तरीका है अकाउंटिंग का, और वहां पर क्या कहते हैं कि या तो आप लेजर ऐसे बना लो या फिर आप लेजर वैसे बना लो। भाई 1713 रुपए अमाउंट है किसकी? हायर परचेजर के लेजर की, और हायर परचेजर ने वो अमाउंट तो दी नहीं जो उस पर पेंडिंग थी, उसके बदले हम अपना गुड्स वापस ले आए, तो हमारा जो माल वापस आया वो 1713 का पड़ा। पहली बात, चाहे हम वैसी अकाउंटिंग करें चाहे ऐसी अकाउंटिंग करें, गुड्स रिपोजेस हमारा 1713 का यूज होगा। पहली बात तो ये, हमने ला करके देखा उसको कि अरे ये तो 1500 का है। अच्छा, तो 1500 का अगर है तो हमने दो तरीके, या तो हम एक काम करते हैं ईयर के खत्म होने का इंतजार करते हैं और उस पर 200 रुपए जो खर्च होने हैं उसको खर्च किया और उसको बेचा, और क्योंकि बेटे ये सारा काम एक ही ईयर में हुआ तो हमने तुरंत लॉस ना मान करके इंतजार किया इस बात का कि भाई बार बार रेट घटेंगे बढ़ेंगे तो एक बार जरा बिक जाए, या ईयर एंड आ जाए तो ईयर एंड पर हम वैल्यूएशन कर देंगे बैलेंस शीट, वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस पे हो ही जाना है। तो यहां पर देखा ये तो बिक गया भाई, तो सारा काम एक ईयर में, तो एक ही बार हमने प्रॉफिट या लॉस जो रिकॉग्नाइज करना था वो एक ही बार इकट्ठे में रिकॉग्नाइज कर लिया। पहली बात तो ये है जी। अब दूसरी बात, दूसरी बात, पहले बताओ धन्यवाद, आपने उससे पूछा था क्या ये वाला पॉइंट ओके है? बोलो ओके, ताकि मैं इसको रब कर दूंगा और फिर मैं तब दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। बोलो बेटे ओके है ये वाला लेजर? ओके है, तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि अभी दिखना नहीं चाहिए। एक टाइम पर एक ही चीज माइंड में आती है। अब ये बेटा दूसरा, दूसरा ट्रीटमेंट। ये कहते हैं एक काम करो, 1713 का तो हमने रिकॉर्ड कर ही लिया, कह रहे आज ही रिकॉग्नाइज कर लो 1500 पे आज ही ले आओ इसकी वैल्यू, इंतजार नहीं खत्म करते ईयर एंड का, और ये तुरंत के तुरंत उसको 1500 का कर देते हैं। इसका मतलब है कि 213 का लॉस जो इनको अभी लगने लगा था इन्होंने अभी मान लिया बेटे, अभी के अभी पीएनएल में भेज दिया इसी डेट पर, और कहते हैं अब गुड्स कितने का है? 1500 का। फिर इस पे रिपेयर कराया उनका, अरे ये तो 1800 का बिक गया, तो बाद में उसकी खुशी मना रहे हैं, 100 रुपए का फिर वहां प्रॉफिट मान रहे हैं। अगर आप गौर से देखो ना बेटे, ये 100 रुपए का प्रॉफिट और उधर 213 रुपए का लॉस, बात वही बैठ गई 113 रुपए। बोलो बेटे धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा क्या ये बात ओके है कि नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे दूसरे कॉन्सेप्ट जो कराने हैं वो उसमें इन सब चीजों पे फिर ध्यान नहीं आना चाहिए आपका, क्लियर है। आइए एक लास्ट अल्टरनेटिव मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पर, क्या कि अगर मैं ये 213 रुपए यहां ना रिकॉग्नाइज करके, मैं यहां रिकॉग्नाइज ना करके मैं इसको ऊपर ही रिकॉग्नाइज कर लूं, यानी मैं अगर इसी जगह पे लिख दूं इसको 1500 और यहां पर मैं पीएनएल में डाल दूं 213 रुपए, ये भी एक अल्टरनेटिव हमारे यहां पर देखने को मिलता है, तो फिर मेरे गुड्स रिपोजेस में क्या आएगा जी? अब हमारी तरफ से हमारे क्लास के बच्चे को कोई भी अल्टरनेटिव मिल जाए
अब नहीं डरना चाहिए बेटे, अब बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। आपको हर तरह का सॉल्यूशन जो एग्जाम में आपको मिल सकता है, मैंने वो आपको दिया है बेटा। ये गुड्स रिपोजेस अब कितने का रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं अब 1500 का, क्योंकि 213 का हमने तुरंत उसी टाइम पर लॉस मान लिया। अब उसी टाइम पर लॉस मानने के दो तरीके, पहले 1713 को इधर लाओ और फिर 213 का लॉस मानो, या वहीं पे मान लो, ठीक है जी। और बाकी कहानी तो बिल्कुल सेम यहां से शुरू हो गई जी, आगे की कहानी क्या, टू बैंक 200 रुपए, बाई बैंक 1800 रुपए, डेट डालते रहना बाद में, और टू P&L, ये भी एक अल्टरनेटिव है। अब हमारी तरफ से कोई भी अल्टरनेटिव आ जाए, कहीं पे भी आप किसी का भी सॉल्यूशन देखें किसी क्वेश्चन का, तो बेटे डरना मत, क्योंकि चैप्टर में अगर कोई बात डरावनी होती है, बच्चों का जो फीडबैक है वो यही रहता है हमेशा कि गुड्स रिपोजेस बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो जरा सा है, सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव है। आई थिंक अब ये बात भी ओके है, तो मैं चल रहा हूं बेटे आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या नाम है बेटा? इंटरेस्ट सस्पेंस। न्यू कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आइए जी एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, उसी के जरिए बात करेंगे। ये कैसे ब्लड सा हो रहा है सर? एक एग्जांपल लिखते हैं बेटे। हाँ अब हो गया क्लियर। भाई कैश प्राइस है जी, कैश प्राइस है 1,00,000 रुपए, और जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 2। बेटे दो इंस्टॉलमेंट्स हैं, और अमाउंट जो है ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो है 50,000 प्लस इंटरेस्ट। और बेटे कोई भी डिफॉल्ट नहीं है यहां पर, सब कुछ बिल्कुल सही था। कहते हैं पास जनरल एंट्रीज, बल्कि एक काम करते हैं डेप्रिसिएशन का और डाल लेते हैं, इफ डेप्रिसिएशन रेट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम WDV। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले करेंगे कैश प्राइस कॉन्सेप्ट से, कैश प्राइस मेथड से, और फिर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हम करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। क्या करना है हमें सर यहां पर? आपको पहले तो टेबल बनानी है, और फिर जनरल एंट्री करनी है दोनों की बुक्स में, और फिर लेजर बनाने हैं। हाँ जी, टेबल बनाइए पहले, यहीं पे बना दूं क्या टेबल? लो जी पहले टेबल यहीं पे बना देते हैं। नहीं यार, छोटी बनेगी, अलग से बनाएंगे। तो मैं यहीं पे बेटे टेबल बना रहा हूं इधर की तरफ। आंसर सारे बच्चे टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। पहले हम लोग कैश प्राइस के कॉन्सेप्ट से करेंगे,
और फिर हम बात करेंगे इंटर सस्पेंस के से। टेबल शोइंग कैलकुलेशंस प्रिंसिपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स। कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस है जी 1,00,000 रुपए का। कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट जो यहां पर नहीं है, नील। हाँ जी बेटे, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसमें बेटे 50,000 का प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 10,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट बन गई 60,000 की। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा फास्ट हूं, हालांकि यहां पर और ज्यादा फास्ट होने की जरूरत है क्योंकि कई सारे बच्चे टेबल बना चुके होंगे। ये आपका हायर परचेज प्राइस, ये आपका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, और ये है आपका टोटल कैश प्राइस। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं। अब जेरेंट्री करनी है बेटे, कोई मैंने यहां पर नहीं लिया, क्या नहीं लिया, कोई फोर फीचर वाली बात नहीं ली, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। क्योंकि हमें पहले दिमाग लगाना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे, इंटरेस्ट सस्पेंस वाले कॉन्सेप्ट पे, और फिर इसी क्वेश्चन में डाल देंगे बेटे फोर फीचर, क्या दिक्कत है। पहले इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे, एक तो बेटे कैश प्राइस मेथड और दूसरी बात करेंगे हम इंटरेस्ट सस्पेंस से। लो जी जनरल एंट्रीज, ये है जी कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। इधर है जी बुक्स ऑफ, इधर है आपकी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और इधर है जी आपका, आपकी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। कैश प्राइस मेथड के हम लेजर नहीं बनाएंगे, कैश प्राइस मेथड से तो हम सिर्फ जनरेंट्री करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से हम दोनों काम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है, जब एग्रीमेंट हुआ तो उस डेट पर दोनों के यहां पर हमने बेटे क्या एंट्री पड़ी थी। मैं करता जा रहा हूं ये मानते हुए कि आप सब बच्चे कर सकते हैं। हाँ जी, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटे कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हम लोग। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 1,00,000 रुपए, और इधर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और टू हायर परचेज सेल्स
1,00,000 रुपए। डाउन पेमेंट की बात हुई नहीं, नहीं। तो अगली बात कब होगी? सीधा ईयर एंड पर। तो एट ईयर एंड, एट ईयर एंड क्या हुआ जी? सबसे पहले तो यहां पर ए बी सी डी ऐसे कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट खर्चे को, और यहां पर इंटरेस्ट इनकम को ड्यू करेंगे जी। और उसके बाद क्या करेंगे जी बेटे? इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेड, और वहां पर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, और फिर से वही बातें बेटे। क्या सी भाई? डेप्रिसिएशन जो वहां पर नहीं होगा, और नॉमिनल को भेजेंगे कहां पर? पीएनएल में। यहां पर डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, यहां पर बात नॉमिनल की होगी। बस मैं पहले साल की बात कर रहा हूं अभी। तो पहले साल का इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ, एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। पहले साल का अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो पहले साल का इंटरेस्ट था बेटे 10,000 बच्चों। तो इसने तो एंट्री की हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट 10,000 रुपए, और इसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 रुपए, और इसने क्या किया? इंस्टॉलमेंट को रिसीव किया, बैंक डेबिट टू हायर परचेजर 60,000 रुपए। हाँ जी, फिर डेप्रिसिएशन की बात हुई तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट्स, पहले साल का 25%, 1,00,000 का आता है 25,000, यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी। और फिर बात चली बेटे पीएनएल की, भाई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट 10,000 और डेप्रिसिएशन है 25,000 बेटे, यानी कुल 35,000 की बात है। इधर यहां पर इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल 10,000, और एक और एंट्री कौन से वाली? सेल डेबिट, हायर परचेज सेल डेबिट 2 HP ट्रेडिंग अकाउंट 1,00,000 रुपए। ये है जी पहले साल की एंट्री। ये है बेटे पहले साल की एंट्री। तो मेरा ख्याल है ये तो आपने नोट कर भी ली होंगी, आपने खुद भी कर ली होगी। मैं आता हूं फिर से सेकंड ईयर पे। मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए करवा रहा हूं बेटा क्योंकि ये आपको अभी तभी समझ में आएगा जब आपको पहले वाला मेथड ढंग से आ रहा हो, या लेटेस्टली रिसेंटली आपको वो याद हो। तो मैं सेकेंड ईयर की एंट्री इधर कर रहा हूं,
सेकंड ईयर की एंट्री, लो जी सेकंड ईयर की एंट्री कर देते हैं। इधर है जी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और इधर है बेटे बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बुक्स ऑफ हायर वेंडर। सेकंड ईयर जी सेकंड ईयर, सेकंड ईयर जी सेकंड ईयर, और बात चलेगी सीधा ईयर एंड पर, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा ना कुछ हो रहा है। और वहां पर सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले होगा इंटरेस्ट ड्यू, सबसे पहले होगा इंटरेस्ट ड्यू, किसी का खर्चा तो किसी की इनकम। फिर होगी क्या यहां पर, इंस्टॉलमेंट पेड, और वहां पर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, सी एंट्री। यहां पर फिर आएगी बात कौन सी अपनी, डेप्रिसिएशन की। लो बेटे फिर बात आएगी डेप्रिसिएशन की, फिर डी एंट्री बात होगी किसकी, नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मैंने ड्यू किया, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। सेकंड ईयर का आया जी 5,000, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 5,000, इंस्टॉलमेंट पे हुई जी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट और टू बैंक 55,000, और इधर इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 55,000, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स असेट्स, WDV है ना, हाँ जी सर WDV है, तो 75,000 का 25%, 75,000 का 25%, 18,750, 18,750, और फिर बात हुई PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है जी अपना 5,000 का और डेप्रिसिएशन 18,750, यानी 23,750। इधर सेकेंड ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा जी पीएनएल में, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल 5,000 5,000। और मैं गया रुक, जब सारे बच्चे मुझे बोलेंगे डन डना डन डन कि भाई हमने यहां तक नोट कर लिया है और समझ में भी आ गया है, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ जी बेटे सेस पे लिख के भेजें डन, तब मैं समझूंगा कि आपने यहां तक बात कर ली है। मैंने अभी कुछ नया नहीं कराया, मैंने सिर्फ वही जो तुम्हारा मेथड है ना, जो अभी तक हमने मेथड कर रखा था, सिर्फ उसी को रिवाइज कराया इस एग्जांपल के जरिए, ताकि मैं इसी एग्जांपल में हल्का सा चेंज डाल के आपको नए कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊं। बेटे जल्दी से बोले सेस पे डन, नहीं तो बोलो वेट करो जी, दोनों में से एक बात मुझे सेस पे लिख के दे, या तो वेट या फिर डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे अभी कर रहे हैं इसलिए मुझे रुकना है।
डोनी, ये क्या है डोनी, एक ई फालतू लिख गया। अच्छा ये गजब, वाराणसी ने और कई सारे ई फालतू लगा दिए। ठीक है जी, धनबाद भी रेडी है, वाराणसी भी रेडी है आगे चलने के लिए। लक्ष्मीनगर पटना का है इंतजार। और लक्ष्मीनगर पटना का जवाब नहीं आएगा तो मैं मानूंगा कि उनका भी डन है, वरना वो मुझे वेट तो भेज ही देते। चलिए तो मैंने माना उनका भी डन है, सेस में खराबी की वजह से वो ऐसी बात नहीं कह पा रहे होंगे। हाँ जी देखो बेटे, अकाउंटिंग में दो तरह की बातें होती हैं यहां पर। क्या? एक तो वो जो अभी हमने की, जहां पे क्या है, हर स्टेज पर हम देख रहे हैं कि हर स्टेज पर कितने कितने रुपए हैं जो देने हैं। आप अगर गौर से देखो ना, तो यहां पर जरा तरीके से देखना इस टेबल के साथ में लिंक करते हुए कि ये जो कैश प्राइस है, कंप्लीट जूम आउट कर दो पूरा बोर्ड एक साथ, ये जो कैश प्राइस है, हमने 1 लाख रुपए यहां पर हायर वेंडर के खाते में डाले। जरा गौर से देखना जहां पर मैं पॉइंट आउट करूं, सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। देखो बेटे, ये जो 1 लाख रुपए का कैश प्राइस है, कायदे से ये है जो प्रिंसिपल अमाउंट है गाड़ी के नाम की, ये जिस भी असेट्स के नाम की, ये है 1 लाख रुपए को हमने यहां पर इस जगह पर लोन मान लिया जी। यहां पर देखो बेटे, लोन मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर साल, हर साल इस 10,000 और 5,000 दोनों को, पहले साल जैसे मैंने क्या किया, पहला साल खत्म हुआ तो मैंने पहले साल में हायर वेंडर के खाते में फिर से मैंने 10,000 डाल दिया इंटरेस्ट के नाम का। फिर दूसरा साल खत्म हुआ तो मैंने फिर से क्या किया, देखो दूसरे साल भी मैंने हायर वेंडर के खाते में ये रहा 5,000, ये भी मैंने डाल दिया। तो मैंने क्या किया, ये ओवर द पीरियड मैंने इंटरेस्ट हायर वेंडर के खाते में क्रेडिट किया, कंप्लीट जूम आउट। तो अब यहां पर वो क्या कहना चाहता है, इसको बोलते हैं मोर क्लियरिटी मेथड। सर कंप्लीट जूम आउट कर दो एकदम बिल्कुल बेटे। कई बार क्या होता है कि अकाउंटेंट अपने लिए रिपोर्टिंग के लिए, अपने ओनर को रिपोर्टिंग के लिए एक नया मेथड भी लगाता है जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ऐसा कौन सा ओनर होता है, वो ये कहता है कि भाई ये बता दो मेरे को, अगर एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज मुझे टोटल कितने रुपए देने हैं, तो वो उसका हिसाब किताब मुझे इमीडिएटली मिल जाए कि कुछ ऐसी अकाउंटिंग लेकर के आओ। तो देखो जरा, 1 लाख रुपए तो किस बात के हैं, कैश प्राइस फिक्स एसेट्स के नाम के। हां ये तो इसको तुरंत दिख जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो कहता है बता मेरे यहां पर उस वेंडर का कितना खाता है कि ये रहा 1 लाख। जैसे ही उसने लेजर बनाया तुरंत उसको 1 लाख दिखाई दिए और उसको दिखाई दिया कि हाँ भाई मेरे सिर पे 1 लाख रुपए उधार है। तो वो कहता है कि ये 15,000 भी तो देने हैं, ये कहाँ है, तो उसको ये दिखते नहीं है। तो इन्होंने एक सिस्टम लेकर के आए अकाउंटिंग का कि ये वाला इंटरेस्ट भी, अब जूम करना, ये वाला इंटरेस्ट भी अगर आज ही की डेट पर ड्यू कर दिया जाए। कैसे भाई कैसे, हम अगर इसी डेट पर इस एंट्री को थोड़ा सा सजा के हम डाल दें, थोड़ा सा सजा के डाल दें। देखो बेटे मैंने कौन कौन सी एंट्रियां रब की, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रियां रब की और पहली एंट्री रब की, बाकी सारी एंट्री में कोई फर्क आएगा क्या सर? मैंने कहा नहीं, बाकी एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा और इसका नाम पड़ जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कोई भी बच्चा अभी बिल्कुल भी पेन नहीं चलाएगा, उसको पाप लगेगा अगर वो पेन चलाएगा। इस मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। देख लो बेटे प्लीज, बिल्कुल समझ लो, इस टाइम पे पेन चलाना बिल्कुल महा महा पाप है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरा टाइम दे दूंगा। तो एंट्री कैसे होगी सर बताओ तो जरा। मैंने कहा लो सुनो, हमने पहली एंट्री क्या कर रखी है, मैंने कहा लो भाई फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट्स कितने की है कि 1 लाख की, और टू हायर वेंडर। मैंने कहा दोबारा से इस एंट्री का मतलब समझो, इसका मतलब है कि हायर वेंडर को 1 लाख रुपए देने हैं और फिक्स एसेट्स 1 लाख रुपए की है, कि हायर वेंडर ये कहता है कि मुझे ओवरऑल क्या देना है ये बताओ। तो उसने कहा ठीक है भाई, हम यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं,
इंटरेस्ट, क्या लिख देते हैं बेटे, इंटरेस्ट अकाउंट, उसको भी हम यहीं पे डेबिट कर देते हैं। कितना देना है ओवरऑल इंटरेस्ट की, ओवरऑल टेबल में से टोटल हमने किया तो भाई 15,000 रुपए का इंटरेस्ट देना बनता है। तो कुल मिला के हायर वेंडर के खाते में कितने रुपए बन जाएंगे, 1,15,000 रुपए। और हायर वेंडर जैसे ही अपना लेजर देखेगा तुरंत उसे पता चल जाएगा कि ओवरऑल उसके सिर पे जो जिम्मेदारी है वो है 1,15,000 रुपए की। अच्छा सर, फिर क्या होगा, फिर हम पहुंचेंगे ईयर एंड पर, ठीक है। ईयर एंड पर हम पहुंचे और हम एंट्री डालने लगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और जैसे ही हमने ये एंट्री डाली, ओ माय गॉड, ये जो हम यहां पर 10,000 की एंट्री डालना चाहते हैं बेटे, ये 10,000 तो हमने पहले ही यहां पर डाल रखे हैं, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। तो ये क्या हुआ, ये एंट्री रिपीट होने लगी। तो इसलिए क्या कहा गया, देखो जरा ध्यान देना कि भाई ये एंट्री बाद में कैसे करेंगे, इसको जरा बाद में सोचेंगे। पहले तो पहली एंट्री करते हुए हमने एक गलती कर दी, क्या, कि हम इसको आज की घड़ी में इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। जिस टाइम पर हम गाड़ी को उधार लेकर के आ रहे हैं, मशीनरी को उधार लेकर आ रहे हैं, क्या ये उस टाइम पर इंटरेस्ट खर्चा बन गया? अगर मैं यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो इसका मतलब रूल लग गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट का एक्सपेंस ऐसे ड्यू नहीं होता, इंटरेस्ट का एक्सपेंस टाइम बेसिस पर बात बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोन, जैसे जैसे लोन आगे बढ़ा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू वो पीरियड भी तो स्पेंट होना चाहिए ना। जब तक वो साल खत्म नहीं होगा तब तक वो इंटरेस्ट ड्यू होना बनता ही नहीं है। तो अगर मैं यहां इंटरेस्ट वर्ड बोल दूंगा तो बेटे वो गलत हो जाएगा। तो क्या नाम रखा गया, रखा गया इंटरेस्ट देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, नाम रखा गया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम रखा गया बेटे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट देना पड़ता भी, पड़ भी सकता है और नहीं भी। सर ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई बेटे, अगर वो टाइम बीता तो इंटरेस्ट बनेगा, अगर मान लिया अगले दिन असेट्स वापस कराए तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अच्छा सर चलो बात समझ में आ गई, अब बताओ ईयर एंड पे क्या होगा। मैंने कहा जैसे इंटरवल के बाद में फिल्म में सस्पेंस खुलता रहता है कि मर्डर किसने किया, ऐसे बेटे सस्पेंस खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, कि जब इंटरेस्ट खर्चा होगा तब तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। कोई मुझे बताएगा कि ये सस्पेंस खुलेगा या नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो बेटे क्या एंट्री होने वाली है, बताओ बेटे मैं क्रेडिट किसको करूंगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सस्पेंस खुल गया, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। पहले साल खुला जी, पहले साल खुला, पहले साल खुला 10,000 का सस्पेंस, पहले साल खुला बेटे 10,000 का सस्पेंस। देना पड़ भी सकता है नहीं भी, ना ये तो देना पड़ गया, सस्पेंस खुला और एक्चुअल इंटरेस्ट में जाकर के डेबिट हो गया। सर बाकी सब एंट्री सेम, हाँ बेटे बाकी सब एंट्री सेम, और एक ये बन गया नया मेथड। जरा सोचो सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा जी, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में फिर से एंट्री होगी, सेकंड ईयर में फिर से एंट्री होगी, और जब सेकंड ईयर बीत जाएगा तब फिर से इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो टाइम होने पर ड्यू होता है ना। लेकिन 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 क्रेडिट किसको किया जाएगा, क्या मैं हायर वेंडर को क्रेडिट करूंगा? नहीं, बचा हुआ सस्पेंस सेकंड ईयर के एंड में जाकर के खुला, टू सस्पेंस 5,000 रुपए। बचा हुआ सस्पेंस बेटे सेकंड ईयर में जाकर के हुआ खुला और बन गया ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बाकी सारी एंट्रियां सेम है। मुझे पहले बच्चे लिख के बताएंगे सेस पे कि ये बात ओके है कि नहीं, इंटरेस्ट सस्पेंस वाली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो मैंने बात की है, कि बस इतना सा डिफरेंस है इस इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अंदर कि हमने पहले यहीं पर सस्पेंस क्रिएट किया और फिर सस्पेंस से हम एक्चुअल में लेकर के आए। वाराणसी का ओके है, लक्ष्मीनगर का भी क्लियर है, और जल्दी बोलो बेटे धनबाद और दूसरे सेंटर भी पटना।
तो इतनी बात ओके है, धनबाद का भी क्लियर। चलिए जी, अब अगर बात समझ में आ गई है तो सब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से पहले मुझे हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रियां करवाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे जी, बच्चे इसी को नोट करेंगे। मैं एक काम कर देता हूं, क्या मैं यहां पर सब जगह पर यहां पर इधर मैं हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रियां करने जा रहा हूं, और मैं बोल बोल के करूंगा, आप भी बेटे सेंटर में बोल बोल के एंट्री करेंगे। यहां पर सबसे पहली एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। ये भी ये जानना चाहता है हायर वेंडर कि भाई ओवरऑल क्या मिलने वाला है, हायर परचेजर से मुझे ओवरऑल क्या मिलने वाला है। सोचो बेटे, सोचो, दिमाग लगाओ उसके, यहां पे क्या एंट्री होगी। आईने की तरह अल्टी पल्टी एंट्रियां होती हैं, जैसे आईने में खड़े हो तो लेफ्ट वाला हैंड राइट में और राइट वाला हैंड लेफ्ट में दिखता है। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज, सबसे मुश्किल वाली बात तो मैंने यहां पे कर दी खत्म। अब आसान वाली तुम करने वाले हो, कुछ और भी क्रेडिट होगा यहां पर। यस, वो भी ये जानना चाहता है कि ओवरऑल क्या मिलने वाला है। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वही तो, देखो कितनी मजेदार एंट्री है, मतलब समझ लो खेल खेल में अकाउंट है ये। सबसे प्यारा चैप्टर अगर कोई पूछे ना हमसे, तो हमें हायर परचेज का नाम ही सबसे पहले आएगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसेस और टू इंटरेस्ट सस्पेंस। और बेटे अब आप सबको पता है कि जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या एंट्री होने वाली है, क्या एंट्री होने वाली है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। क्या हम यहां पर हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट कर सकते हैं? बोलो बेटे, सारे बच्चे बताएंगे मुझे क्या मैंने सही एंट्री की या नहीं। बोलो जी, क्या एंट्री करने वाला हूं मैं यहां पर, क्या एंट्री मुझे करनी चाहिए? बोलो मैंने किस चीज को, किस चीज में गलती की, और आप क्या करना चाहिए मेरे को। हाँ जी, देखिए कौन सा सेंटर सबसे पहले बताएगा। मैंने यहां पर कुछ गलत किया है, कौन सा सेंटर है जो सबसे पहले मुझे बताएगा? वेरी गुड धनबाद, बाकी सेंटर को गुड मॉर्निंग, वो सो रहे हैं, क्योंकि जब चीजें आसान होती है अक्सर नींद आ जाती है। उसने मुझे बताया, बिल्कुल सही बताया, कि हायर परचेजर को तो आप पहले से डेबिट कर चुके हो, अब तो आपको ये सस्पेंस खोलना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वेरी गुड धनबाद। और बाकी सब कुछ सेम, बिल्कुल डिक्टो सेम, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो सेकंड ईयर में क्या होगा जी, सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में ये रहा जी, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या होगा जी? हाँ जी, यहां पर तो होगा टू इंटरेस्ट 5000, लेकिन डेबिट में क्या होगा जी? डेबिट में होगा बेटे इंटरेस्ट सस्पेंस 5000। लो जी, सारे बच्चे फटाफट से नोट करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, और आप मुझे लिख के भेजेंगे ओके एंड नोटेड, ओके एंड नोटेड। फटाफट से बेटे, आपकी बाकी एंट्री तो सेम है, इसको उतारो जल्दी से, इंटरेस्ट सस्पेंस को यहां पर भी और आगे सेकेंड ईयर को भी, और मुझे जब सेस पे लिख के भेजोगे ओके नोटेड, तब बात आगे बढ़ेगी। देखना ये है सबसे पहले कौन सा सेंटर सबसे आगे रेस में निकलेगा। अरे धनबाद ने कहा नोटेड, वेरी गुड, क्या बात है धनबाद, आज सबसे आगे। लक्ष्मी नगर, वाराणसी, और अरे वाराणसी भी, अरे वाह वेरी गुड, वाराणसी ने भी नोट कर लिया भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों नोट कर लिया मैं ऐसा मान रहा हूं। फिर हाँ जी, पटना और लक्ष्मी नगर, दो सेंटर के जवाब का इंतजार है।
वैसे नोट कर लिया होगा, उनका जवाब पहले भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब उनके सेस में कुछ दिक्कत थी। चलिए जी, फिर मैंने माना कि ये भी नोटेड है। आइए जी, बाकी तो सब कुछ सेम है बेटे। फटाफट से अब एक काम करना है, क्या लेजर बनाने हैं हमें? सर लेजर बनाने हैं? हाँ बेटे, फटाफट से सारे बच्चे लेजर बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे दूं मैं? हाँ, कौन से वाला क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें? कौन सा क्वेश्चन दूं? कोई क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन नंबर इसी को क्वेश्चन नंबर 6 को करके लेके आना है आपको, सेम इसी मेथड से, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 को करके लाना है आपको इंटरेस्ट सस्पेंस से। लेजर बनाओ जी इस वाले क्वेश्चन के, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, दो लेजर बनेंगे जी। हायर परचेजर की बुक्स में एक तो बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, और इसकी बुक्स में बनेगा हायर परचेजर अकाउंट। फिर दूसरा कौन सा बनेगा जी? दूसरा बनेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहां पर भी बनेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और बेटे फिक्स एसेट्स और गुड्स डिपोजिट्स तो बनने बनने, आपको पता ही है। हाँ जी, तो सबसे पहले पहले ईयर की बात हम लोग करते हैं। फर्स्ट ईयर, ये है जी अपना फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। 1,00,000 की फिक्स असेट्स और बेटे 15,000 का इंटरेस्ट सस्पेंस, डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट सस्पेंस में टू हायर वेंडर अकाउंट 15,000। फिर डाउन पेमेंट की एंट्री तो हुई नहीं यहां पर। आई होप मैं अब फास्ट नहीं हूं बेटे, थोड़ा धीरे धीरे चलने की जरूरत है यहां पर। हाँ जी, तो बात हुई सीधा ईयर एंड पर। ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो बाई इंटरेस्ट 10,000। बाई इंटरेस्ट 10,000, बाई इंटरेस्ट 10,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 10,000। फिर ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद में बेटे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ टू बैंक, कितना? 60,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां पर लेजर टेबल से मैच नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपसे कहता था ना कि बेटे लोन का अकाउंट है तो लोन का अकाउंट है, टेबल से आप मैच कर सकते हैं। बनेगा दोस्त, बनेगा बेटे, धन्यवाद, बनेगा बच्चे।
मैं आपको इंटरेस्ट सस्पेंस की अकाउंटिंग करा रहा हूँ ना, तो मैं मान रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट सस्पेंस की अकाउंटिंग पे पूरा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। फिक्स एसेट्स तो आप बनाओगे ही बनाओगे, और अगर रिपोजिशन हुआ तो वहां पे गुड्स रिपोजेस भी बनाना है हमें। हाँ जी, हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना बेटे, तो मैं आपका मेन फोकस इस पे लेके आ रहा हूँ बच्चे। हाँ जी, तो कितना हो गया जी ये 55,000। आप गौर से देखो बेटे, इस 55,000 के अंदर 50,000 तो लोन वाला अमाउंट है, प्रिंसिपल वाला, और 5,000 रुपये बचा हुआ इंटरेस्ट है। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। हाँ जी, 55,000। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं जी। सेकेंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ ईयर एंड पर, बाई इंटरेस्ट 5,000, और सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ जी टू बैंक 55,000। कोई रिपोजिशन नहीं हमने देखा इसमें, कोई भी रिपोजिशन वाला पार्ट नहीं देखा। तो भाई मैं मान रहा हूं कि यहां तक बात ओके है। आइए जी फिर चले आगे। उधर उनके यहां पर क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स 1,00,000 रुपए, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस 15,000 रुपए, और इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखा जाएगा बाई, क्या लिखा जाएगा बेटे, बाई बाई हायर परचेजर। और फिर बात आगे बढ़ी, पहला साल खत्म, मतलब सीएस फाउंडेशन पास, फिर बात इंटर में बढ़ी, और फिर दूसरा साल खत्म, फिर बात फाइनल में बढ़ेगी। हाँ जी, 1,15,000, और पता है यहां पर पेमेंट हो गया था रिसीव बाय बैंक 60,000 रुपए, बाय बैलेंस सीडी 55,000 रुपए, पचपन हजार रुपए। हाँ जी, टू इंटरेस्ट 10,000 रुपए, और भाई टू बैलेंस सीडी 5,000 रुपए। बेटे ऐसे ही बच्चों सेकंड ईयर की कहानी, पचपन हजार रुपए टू इंटरेस्ट, कितना बचा हुआ 5,000, और बेटे इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचा। हाँ जी, तो मैं रुक गया, अब सारे बच्चे मुझे पहले यहां तक नोट करके बताएंगे। ओके एंड नोटेड, ओके एंड नोटेड, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी जी।
बोलो बेटे जल्दी से, यहां तक ओके एंड नोटेड है? मजा आ जाए अगर इसी क्वेश्चन में फुल रिपोजिशन आ जाए, अगर बेटे इसी क्वेश्चन में फुल रिपोजिशन आ जाए तो क्या मजा आ जाए। अगर उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी और दूसरी ना दी और फुल रिपोजिशन आ जाए तो कैसा होगा जी? तो मैं रुक गया, सबसे पहले सारे बच्चे मुझे यहां तक बताएंगे, यहां तक ओके एंड नोटेड। लक्ष्मीनगर का ओके एंड नोटेड आ गया जी, बाकी सेंटर का इंतजार है जी। बोलो जी, धनबाद, वाराणसी, पटना, वाराणसी का भी आ गया, धनबाद का भी आ गया। सर फुल रिपोजिशन पढ़ाइएगा, कल कल पढ़ा, उसमें है कितना ये देखो ना, छोटी सी बात है बस वो पूरी कर देता हूँ और फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तो हम पार्शियल रिपोजिशन करेंगे ना बेटे नेक्स्ट क्लास में, वाराणसी नेक्स्ट क्लास में हम टोटल क्लास पार्शियल रिपोजिशन के क्वेश्चन के लगाएंगे। फुल रिपोजिशन में करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इतनी सी बात करनी है बस, बस इतनी सी, 2 मिनट की बात है, 2 लाइनों की बात है। बोलो वाराणसी बोल दूं क्या? सिर्फ 2 लाइन बोलनी है बस, और वो पार्शियल फुल रिपोजिशन आज की क्लास में पैक हो जाएगा। फिर बोलूं? देखो बहुत छोटी सी बात है, मैं बोल देता हूं, मुझे पता है तुम कह रहे हो हाँ सर ठीक है यस। फुल रिपोजिशन में इतना सा करना है, कितना सा, मैं अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये ट्विस्ट लेकर के आऊं क्या कि भाई सेकंड ईयर का पेमेंट उसने नहीं किया, सेकंड ईयर का उसने पेमेंट नहीं किया, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, रुको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बल्कि लिखा देता हूं उसमें। इतना सा काम करना है, बाकी तो डिक्टो बिल्कुल सेम है, 2 मिनट का लिखाना और काम खत्म। ये भाई कोई बात है बताओ, इसके लिए कोई रुकना, अगर इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इफ बेटे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड इज देयर एंड फुल रिपोजिशन कॉन्सेप्ट इज आल्सो देयर, तब हमें क्या करना है जी? एंट्री हम लोग क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट तो है ही डेबिट, और टू क्या करते हैं बताओ, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। यहां पे हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू करते हैं ना ऑन दैट डेट, और यहां पे हम क्या करते हैं अकाउंट का बैलेंस करते हैं, जो भी हायर वेंडर के अकाउंट का बैलेंस है। डिफरेंस कहां डालते हैं बताओ, प्रॉफिट और लॉस में। आपको पता है इस वाले अकाउंट में एक हवा भर गई है, कौन से वाली, इंटरेस्ट सस्पेंस की। जरा देखो अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे देखू तो यहां 50 और 55 हजार का बैलेंस दिख रहा है, तो वो हवा निकालनी है बस इधर। मतलब कहने का ये है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को पहले ट्रांसफर कर दो, पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, यानी इसका जो भी अकाउंट बैलेंस है पहले उसको ट्रांसफर कर दो। किसमें ट्रांसफर कर दो, हायर वेंडर के खाते में, कर दिया हाँ। अब उसके बाद में बोलो टू फिक्स असेट्स, टू फिक्स असेट्स जो उसके अकाउंट का बैलेंस बच जाए, वो समझ लो वो सेल्स प्राइस है। लो बस मैंने इतनी सी बात बतानी थी, हो गए काम, और क्या करना है। जैसे यहां पे हायर वेंडर के खाते में इंटरेस्ट सस्पेंस को भेजा जाएगा, बताओ उसकी बुक्स में क्या होगा,
उसकी बुक्स में इसका रिवर्स होगा, वहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस को भेजा जाएगा किसके, हायर परचेजर के खाते में, बस इतना सा काम होना है। देखो जी कैसे जी, जो भी बैलेंस बच रहा होगा उसको भेजेंगे जी, यहां पर गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, यही तो हमने एंट्री की है ना, हायर परचेजर का अकाउंट का बैलेंस। तो वो क्या कहते हैं, पहले तो इसका देखो अकाउंट है कितना, तब उसको गुड्स रिपोजेस में भेजना, यानी पहले इंटरेस्ट सस्पेंस को उसके खाते में भेज दो, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो भी यहां पे अकाउंट का बैलेंस है उसको भेज दिया, हाँ जी भेज दिया, अब देखो उसके अकाउंट का कितना बैलेंस है, क्योंकि उसके अकाउंट में जो हवा भरी हुई थी ना इंटरेस्ट सस्पेंस बोल के वो निकल गई, और फिर भेजो उसको गुड्स रिपोजेस में, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा उसके अकाउंट का कितने का बैलेंस है। बस बेटे इतनी सी बात है, बताओ इसमें क्या नई बात मैंने बताई, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई बेटे, उसका सही बैलेंस तब आएगा जब उसको हम इंटरेस्ट सस्पेंस से खत्म कर देंगे, तो इंटरेस्ट सस्पेंस को उसमें ट्रांसफर करने के बाद तब चेक करना है कितना है उसका अकाउंट बैलेंस, बाकी सब कुछ सेम, दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। बोलो बेटे वाराणसी कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर, हाँ जी सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, डोंट वरी अगली क्लास में बात करेंगे जहां पे बात सिर्फ पार्शियल रिपोजिशन की होनी है। बेटे क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, अगर रिपोजिशन का केस है, एक बार और सर ठीक है मैं दोबारा से बोलता हूं, दोबारा से बात करता हूं। देखो मैं खाली हायर परचेजर की बुक्स की बात ले लेता हूं, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का खाता होता है हाँ, और एक खाता और होता है हाँ इंटरेस्ट सस्पेंस का, तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस को भेज दो हायर वेंडर के खाते में, क्योंकि पहली एंट्री में तुमने हवा भर रखी है इसके खाते में, और तब देखो इसका कितने रुपए का बैलेंस है, कितने रुपए का बैलेंस है तब चेक करो, जितने भी रुपए का बैलेंस होगा वो एग्जैक्टली तब पता चलेगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू फिक्स असेट्स, सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस ट्रांसफर किया जाएगा वेंडर के खाते में, ठीक है मैं इसको लिखा देता हूं, ठीक है मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखा देता हूं, स्टेप नंबर फर्स्ट, मैं इसकी बुक्स में बात करूं, हेडिंग डालो बेटे फुल रिपोजेशन ऑफ गुड्स, या फुल रिपोजेशन डालो बस, ठीक है यहां पे लिखो बुक्स ऑफ हायर परचेजर, एक तो जी ये बात है और इधर बात इधर, अच्छा इधर कर दो बुक्स ऑफ हायर वेंडर, लिखो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा जूम करना, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो मैं यहां लिखा रहा हूं वही फिर वहां पे लिखूंगा, बस अकाउंट अलग होंगे, ये बुक्स किसके, हायर परचेजर, हां ट्रांसफर द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस टू हायर वेंडर अकाउंट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ हायर वेंडर अकाउंट करेक्टली
स्टेप नंबर फर्स्ट, सर थोड़ा और जूम कर दीजिए, स्टेप नंबर टू। बाकी तो बेटे बिल्कुल सेम है, यहां पे तो बिल्कुल सेम है जैसे पहले करते आए थे। क्या कर रहे थे सर हम वहां पे, दोबारा लिखा दो ना, हायर वेंडर अकाउंट बैलेंस इज ट्रीटेड एज सेल्स प्राइस ऑफ फिक्स्ड असेट्स गोइंग बैक, जो वापस हो रही है ड्यू टू रिपोजेशन। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो एंट्री क्या बन रही थी वहां पर, और यहां पर अगर मैं इन दोनों स्टेप की इकट्ठी जन एंट्री करना चाहूं तो क्या जन एंट्री होगी, यहां पर क्या जन एंट्री होगी, पहले वाले की जन एंट्री क्या होगी, चलो अलग अलग करता हूं, इसकी जन एंट्री क्या होगी और भाई इसकी जन एंट्री क्या होगी, इस वाले की जन एंट्री हायर, यहां पे हमने क्या कहा था, फिक्स एसेट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंड डेबिट टू हायर वेंडर, है ना, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये जो अकाउंट का बैलेंस है वो हमने ट्रांसफर कर दिया जी। और यहां पर एंट्री क्या होगी जी, यहां पर जन एंट्री क्या होगी जी, यहां पर जन एंट्री बिल्कुल डिक्टो सेम होगी वैसी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी यहां पर अकाउंट का बैलेंस है। बेटे मैं आज ये कोई नई एंट्री नहीं लिखा रहा, ये वाली ये वही है जो लास्ट क्लास में हमने लिखी थी, टू फिक्स असेट्स बुक वैल्यू, और डिफरेंस बेटे कहां जाएगा, डिफरेंस नोट, डिफरेंस जाएगा कहां पर, पी एंड एल में। सबसे पहली बात तो ये, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या बात होनी है वो हमने यहां पे कर लीजिए। अब बात कर रहा हूं मैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जैसे यहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस भेजा जा रहा है किसमें, हायर वेंडर में, ऐसे ही वहां भेजा जाएगा हायर परचेजर में, ट्रांसफर द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, सर थोड़ा कैमरा देखना, टू हायर परचेजर अकाउंट, और जन एंट्री क्या होगी भाई वहां पर, जन एंट्री क्या होगी भाई वहां पर, आपको याद है जब यहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया गया था, अब यहां पर वापस बैलेंस देखोगे तो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है बेटे वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना स्टेप नंबर टू, वो बिल्कुल डिक्टो सेम है जो हमने किया था लास्ट क्लास में, और वो क्या किया था भाई, हायर, अच्छा हायर परचेजर अकाउंट बैलेंस, मैं इससे पहले लिख रहा हूं नाउ, यानी कि वाला काम करने के बाद, इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ रिपोजेस्ट
गुड्स, और एंट्री आपको पता ही है बेटे क्या एंट्री होनी है, पर मैं फिर भी लिख देता हूं, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। जो भी यहां पर है बेटे अकाउंट का, उसका बैलेंस है हायर परचेजर अकाउंट का, दैट विल बी ट्रांसफर टू गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। और मैं रुक गया जी, आज की बात तो हमारी यहीं पे खत्म हुई जी। अब इंतजार है आपके डाउट का, अगर आपको लगता है इस पॉइंट में कोई डाउट है तो। बोलो बेटे ओके एंड नोटेड। ओके का मतलब आपको ये बात समझ में आ गई है, और नोटेड मतलब आपने ये बात नोट भी कर ली है। हाँ जी वाराणसी बेटे हो गया, लक्ष्मीनगर, धनबाद, पटना, वाराणसी का ओके आ गया है, अभी नोटेड आना बाकी है। बाकी सेंटर भी बताओ बेटे। चलिए लक्ष्मीनगर धनबाद, अच्छा लक्ष्मीनगर का ओके। धनबाद कह रहे हैं सर एक बार गुड्स रिपोजेस अकाउंट बना के दिखा दीजिए ना प्लीज। गुड्स रिपोजेस अकाउंट बेटे वो बनाया तो है उसमें भाई, हमने जो लास्ट क्लास अभी जो बनाया था, हमने गुड्स रिपोजेस अकाउंट बनाया तो था। अच्छा रब हो गया क्या? चलिए आपको बनवाना है बेटे, मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चे। लो जी कोई नहीं जी, बस थोड़ा सा जनरेटरी है नहीं तो मैं इमेजिनरी रूप से डालूंगा बेटा, है ना। लो जी कोई दिक्कत नहीं, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ही बनेगा। वैसे हमने बनाया था अभी शायद, हाँ बनाया तो था गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट पिछले वाला जहां बेटे 1713 रुपए की बात हुई थी। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, है ना। और फिर बाद में क्या हुआ? दो में से एक बात होगी, या तो बेटे बिक जाएगा या फिर ये बैलेंस सीडी होगा। तो हायर परचेजर के अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहां पर आएगा, फिर इसमें बेटे रिपेयर होंगी तो क्या होगा? अगर रिपेयर कराया तो खर्चा हुआ तो इसमें जुड़ जाएगा। ये क्या है? रिपेयर का एक्सपेंस। और सेल हुआ बाय बैंक, हाँ बेटा सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस जितने में बिका। और डिफरेंस क्या होगा बेटा? डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बच्चे। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसने बोला था? धनबाद बेटे हो गया बच्चे तुम्हारा अकाउंट, तो बेटे ऐसे बनेगा बच्चे। और या तो बिक जाएगा, अगर नहीं बिकेगा ना तो अकाउंट कैसे बनेगा? लो मैं वो भी बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अगर नहीं बिका है सब पूरा बोर्ड, हाँ अगर नहीं बिका है गुड्स तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा अगर नहीं बिका है तो क्या होगा? तो
तो फिर से वही बात होगी, टू हायर परचेजर गुड्स आ गया, हाँ जी आ गया, उसके अकाउंट का बैलेंस आ गया और क्या टू बैंक रिपेयर हो गई, हाँ जी रिपेयर हो गई, यह है जी रिपेयर का खर्चा, और बैंक तो तब आता ना जब बिकता, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहां पे क्या हुआ बेटे, बैलेंस सीडी हुआ। आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर जो आएगी ये अमाउंट कॉस्ट कहलाएगी, इसका बैलेंस सीडी जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो आएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद कॉस्ट, और इसका कंपैरिजन करेंगे बेटे किससे, मार्केट वैल्यू से, जो दोनों में कम होगा बेटा उस पे वैल्यू आएगी धनबाद, और डिफरेंस कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मान लिया ये है 1713 रुपए, तुम्हारे एग्जांपल की फिगर ले लेता हूं बेटे, 1713 रुपए और 200 रुपए का खर्चा हुआ बेटा, तो कितना हो गया ये 1913 रुपए, तो कॉस्ट तो पहली बात इसकी हो गई 1913 रुपए, और ये बिका नहीं मार्केट में, मान लिया इसकी कीमत रह गई सिर्फ 1500 रुपए, तो मैं इसको यहां 1513 रुपए पे बैलेंस शीट करूंगा और डिफरेंस 413 रुपए में पीएनएल में डालूंगा अगर ये नहीं बिका तो, और अगर ये बिक गया तो कैसे होगा जी, ये है बेटे 1713 रुपए, रिपेयर के खर्चे 200 रुपए, 1913 रुपए, और बिका कितने में, बिक गया मान ले बेटे 1800 रुपए में सपोज करो, तो जो पीएनएल है वो रिकॉग्नाइज कर लूंगा कितना 113 रुपए, और मैंने माना कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। तो बेटे ये थी हमारी आज की क्लास जहां पर हमने फुल रिपोजिशन को पूरी तरह खत्म किया और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड की बात भी ओवर हो गई, और अगली क्लास में हम लोग बात बढ़ाएंगे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ, उससे पहले लेकिन हम बात करेंगे पार्शियल रिपोजिशन। चलिए जी तो क्लास ओवर करें, ये नोट तो नहीं करना किसी को, मैं ऐसा मान रहा हूं कि नोट नहीं करना, अगर नोट करना है तो सेस पे लिख के भेजो वरना फिर मैं क्लास ओवर करता हूं। चलिए सेस पे नहीं आएगा तो मैं मानूंगा कि नोट नहीं करना है। ओके चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करने के बाद, पार्शियल रिपोजिशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन करने के बाद में, तब हम जाएंगे बेटे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ओके देन बाय।